छा दो अपनी पलकों को मेरे सरकार

अपने वहा मेरी गलियां रोशन मेरी गलियां मेरे, मेरे सरकार आए भाई गुड मॉर्निंग जी गुड मॉर्निंग की हाल चाल जी वधिया हो सारे तंदुरुस्त तो हो फैमिली वधिया एकदम चलो बहुत वधिया वधिया ही होना चाहिए था जी गुड मॉर्निंग उर्वशी गुड मॉर्निंग अंकित गुड मॉर्निंग पूजा गुड मॉर्निंग सारिका गुड मॉर्निंग शालिनी शिखा पीनल यशपाल नेहा वेरी वेरी गुड मॉर्निंग थकावट उतर गई पक्का पक्का ना हाँ नींद पूरी हो गई बच्चा कह रहा है सर बिल्कुल कल हम सारा दिन क्या किया कल हम पूरा सोए हैं ठीक है थीके? लग तो नहीं रहा मुझे जितने बच्चे आज सुबह लाइव आए हैं मेरे को लग रहा है क्लास प्राइवेट करा के ही मानोगे यार मेरे दिल में ना मेरे को लग रहा है दिमाग आ जाएगा आज पता नहीं मुझे क्यों लग रहा है कि यार मेरे दिल में दिमाग आएगा आज आपने भाई साहब सुबह 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 ना मूड खराब कर दिया मेरा आपने आज गुड मॉर्निंग आशी गुड मॉर्निंग अंकित गुड मॉर्निंग नंदनी गुड मॉर्निंग कमलेश गुड मॉर्निंग प्रिया गुड मॉर्निंग अंजलि गुड मॉर्निंग वंशिता गुड मॉर्निंग दिव्या विशाल चंदन कमलेश नमन वेरी 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 गुड मॉर्निंग क्या बात है बहुत बढ़िया वेरी गुड ग्रेट यार चलो तो जी चलो ठीक है तो फिर आज तो अपना फिर अब जब मे कोई इतना आप चैलेंज दे ही रहे हो ठीक है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है आज हम क्लास प्राइवेट ही करके मानेंगे और चाहे बच्चे कुछ भी कहते रहें हम उसको पब्लिक नहीं करेंगे सर बस बहुत हो गया सर बहुत हो गया अब बस मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता मतलब कमाल के बात देखो सिर्फ टू सेवेंटी बच्चा लाइव आके बैठा है सुबह देख रहे हो मतलब नींद पूरी कर रहे हैं घोड़ो घोड़े बेच के सो रहे हैं भाई साहब ओ ओ कर कर करके नालायक कहीं के और कमाल के बात देखो मम्मी पापा उठा भी नहीं रहे ये नहीं कि नलायक उठ जा क्लास स्टार्ट हो गया सर सुबह साढ़े सात बजे उठ के बैठ गए हैं मम्मी भी कह रहे बेटे सो रहा थोड़ी देर और सो रहा कोई बात नहीं बेटे बाद में देख लियो क्लास विवेक सर प्राइवेट तो करते ही नहीं है आंटी मैं क्लास प्राइवेट कर दूंगा मैंने फिर मत कहना हाँ मतलब दिसंबर में एग्जाम है आपको नीद प्यारी हो रखी है बच्चे की शाम को टेस्ट है जी आज शाम को टेस्ट है अभी हमारी क्लास होगी शाम को सात बजे आपका जीएसटी का टेस्ट होगा जी ठीक है जी तो शाम को सात बजे मैं जीएसटी का टेस्ट लूंगा और अभी जो है अभी हमारी क्लास चल रही है चलो जी इधर देखो ध्यान से प्लीज़ बातचीत नहीं जी अब पहले मेरे को ये बताओ चैप्टर मेरे ख्याल से ना नंदनी ने अभी लिखे थे चैप्टर हमारे कौन कौन से हो चुके हैं उसमें ना एक चैप्टर बच्चे ने लिखा है जो मेरे को लगता है कि अभी नहीं हुआ बट मेरे को याद नहीं है क्या तो हो भी गया हो मेरे को ये बताओ एक चैप्टर बच्चे ने लिखा हुआ है कॉम्पोजिशन लेवी वाला तो क्या वो चैप्टर हो चुका है या नहीं हुआ जी पहले मेरे को ये बताओ क्या कॉम्पोजिशन लेवी वाला चैप्टर क्या वो हमारा हो चुका है या अभी नहीं हुआ सर हैप्पी चिल्ड्रन डे ओ मेरा बच्चा मेरा बाबू मेरा नोनू मेरे सोनू मेरा भिंडी मेरा शिमला मेरा बैंगनी कलर का बच्चा हैप्पी चिल्ड्रन डे है एडवाइस तुम इतनी बड़ी बड़ी देते हो अंकलो जैसी हैप्पी है? चिल्ड्रन डे हम्म चिल्ड्रन डे विश करता हूँ अभी मैं तुम्हें बच्चे बन चुके हो है? नहीं हुआ ना यस वही मैं कहूँ कि वो चैप्टर मेरे को लग रहा है कि वो नहीं हुआ था ठीक है बच्चे ने लिखा वो हो गया तो मैं कन्फ्यूजन में आ गया था मतलब वो चैप्टर नहीं हुआ था ठीक है डन है जी चलो जी तो आर फिर हम वही चैप्टर करेंगे आर फिर हम वही चैप्टर करेंगे कॉम्पोजिट स्कीम का चैप्टर मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और हर बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं जी और इवन एक नहीं दो से तीन नंबर वाले क्वेश्चन बनते हैं जी ठीक है ना दो से तीन नंबर वाले क्वेश्चन बनते हैं तो कम से कम दो से तीन क्वेश्चन बनते हैं तो उसी को आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं जी चलो जी इधर देखो ध्यान से अब एक बार सारे बच्चे सीधे होके बैठ जाओ जी एक बार सारे बच्चे सीधे होके बैठ जाओ अब हम क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं जी सर आज टेस्ट में कौन कौन से टॉपिक दोगे टेस्ट में वही टॉपिक देंगे मतलब जो हमारा अभी तक कंप्लीट हुआ है वो तो टेस्ट में आएगा ही आएगा जो इस वाली क्लास में भी कंप्लीट हो जाएगा ना वो भी टेस्ट में डाल दूंगा मतलब जो आज हम कंप्लीट करेंगे ना इस वाली क्लास में जो भी हम कंप्लीट करेंगे उसको भी टेस्ट में डिस्कस करेंगे ठीक है तो, तो, तो पहले हो गया वो तो टेस्ट में आएगा ही आएगा जो अभी मैं क्लास स्टार्ट करवाने जा रहा हूं इसमें जितना भी हम कर पाएंगे उसको भी आज शाम का जो मेरा सात बजे टेस्ट होगा उस टेस्ट में उसको भी हम डिस्कस करेंगे नन्ना जी कोई दिक्कत तो नहीं है क्लास स्टार्ट करें पक्का पक्का चलो जी इधर देखो ध्यान से प्लीज बातचीत नहीं जी प्लीज बातचीत नहीं स्वाति कह रही है वॉइस नहीं आ रही स्वाति अपनी वॉइस चेक करो नालायक तुमने वॉइस बंद कर रखी होगी वहां पे सर चिल्ड्रन डे है विश करो वरना नहीं हरे नंदनी विश कर तो दिया इतने बड़े बड़े बच्चे अंकल आंटियों जैसे बच्चे मेरे सामने बैठे हैं उनको चिल्ड्रन डे विश तो कर दिया हैप्पी बड़े चिल्ड्रन डे हैप्पी बड़े बच्चों का चिल्ड्रन डे चिल्ड्रन डे एडवाइस तुम अंकलों आंटी डे देते हो है? ऐसे कर लो वैसे कर लो चिल्ड्रन डे मुबारक करो आपको नहीं वैसे आप हो तो मेरे बच्चे ही ना तो हैप्पी चिल्ड्रन डे आप सभी को जी ठीक है जी आप बहुत आगे बढ़े खुश रहें मुस्कुराते रहें पेरेंट्स का नाम रोशन करें इस तरह से जगमगाते रहें और आओ जी इन्हीं बातों के साथ अपना चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं आज हमें चैप्टर करना जी कॉम्पोजिट स्कीम का लो जी इधर सुना ध्यान से मैं कहना क्या चाह रहा हूं जी इधर सुना ध्यान से कहना क्या चाह रहा हूं जी अब प्लीज बातचीत नहीं यार अब एक बार बातचीत बंद कर दो जी अपनी क्लास स्टार्ट कर रहे हैं जो बातें करनी थी हमने कर लिया है अब अपना पूरा टाइम लगाते हैं अपनी क्लास के ऊपर ठीक है अब जो आज हमें चैप्टर स्टार्ट करें ना आज हमें चैप्टर स्टार्ट करना है चैप्टर हमें स्टार्ट करना है कॉम्पोजिशन लेवी का जी ठीक है अच्छा इस चैप्टर के ना और भी कई सारे नाम है मतलब इनमें से अगर किसी भी नाम से क्वेश्चन बनेगा ना तो समझ लेना वो इस चैप्टर वाला क्वेश्चन है इसका मेन नाम क्या है इस चैप्टर का मेन नाम है दैट इज कॉम्पोजिशन लेवी इस चैप्टर का मेन नाम तो ये है इस चैप्टर के और भी कई सारे नाम है और कौन कौन से नाम है इस चैप्टर को हम प्रिजमटिव टैक्सेशन भी बोलते हैं इस चैप्टर को हम फ्लैट रेट सिस्टम भी बोलते हैं इस चैप्टर को स्कीम फॉर स्मॉल बिजनेसमैन भी बोलते हैं इस चैप्टर को कंसेशनल स्कीम भी बोलते हैं इस चैप्टर को ऑप्शनल स्कीम भी बोलते हैं मतलब इनमें से अगर किसी भी नाम से क्वेश्चन बनेगा तो इट मीनस वो इस चैप्टर वाला क्वेश्चन है तो एग्जाम में चाहे क्वेश्चन बने कॉम्पोजिट स्कीम के नाम से एग्जाम में चाहे क्वेश्चन बने स्कीम फॉर स्मॉल बिजनेसमैन के नाम से एग्जाम में चाहे क्वेश्चन बने प्रिजमटिव स्कीम के नाम से एग्जाम में चाहे क्वेश्चन बने फ्लैट रेट स्कीम के नाम से एग्जाम में चाहे क्वेश्चन बने ऑप्शनल स्कीम के नाम से एग्जाम में जाए क्वेश्चन बने कंसेशनल स्कीम के नाम से मतलब इनमें से किसी भी नाम से क्वेश्चन बनेगा तो हम समझ जाएंगे कि वो क्वेश्चन जो है ना वो हमारे इस चैप्टर का है अच्छा अब सुना ध्यान से मैं कहना क्या चाह रहा हूँ अब एक बात मेरे को सोच के बताओ मेरा पूरी क्लास का क्वेश्चन है अब जो आज हम ये चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं ना इस चैप्टर में क्या पढ़ने को मिलेगा क्या सीखने को मिलेगा पहले वो समझते हैं अब मेरा एक बात सोच के बताऊँ सर जी के ना अप्रोक्सीमेट मेरे ख्याल से हमारे तेईस लेक्चर कंप्लीट हो चुके हैं जीएसटी के अप्रोक्सीमेट हमारे तेईस रिविजन क्लास कंप्लीट हो चुकी हैं उन तेईस रिविजन क्लास में जो भी हमने कंप्लीट किया वो सारी की सारी बातें हमने की नॉर्मल स्कीम की मतलब नॉर्मल स्कीम का मतलब है कि अगर मेरे ऊपर जीएसटी एप्लीकेबल होगा तो मैं टैक्स इन्वॉइस इशू करूंगा मैं गवर्नमेंट को जीएसटी देकर आऊंगा मैं आई से क्लेम करूंगा आई से यूज करूंगा मतलब वो सारी की सारी बातें जो थी ना वो नॉर्मल स्कीम की बातें थी वो कंसेशनल स्कीम की बातें नहीं थी बट आज जो हम बातें डिस्कस कर रहे हैं वो सारी, सारी की सारी किसकी है कंसेशनल स्कीम की बातें हैं अब एक बच्चा ये बात करता है सर एक बात मेरे को सोच के बताओ मतलब मेरे पापा ना घर में ना डिस्कशन कल मतलब कल परसों की बात है घर में बात चल रही थी कि बेटे मैं ना कंसेशनल स्कीम लेने की सोच रहा हूँ अब बेटे मैं कंसेशनल स्कीम लेने की सोच रहा हूँ बट मेरे को ना ये समझ में नहीं आ रहा कि मैं कंसेशनल स्कीम लू या ना लूँ तो फिर पापा ने मैंने पापा को बोला पापा भी ना, हमारा चैप्टर हुआ नहीं है सर ने ना एक दो दिन में चैप्टर करवाना है तो सर जब वो चैप्टर करवा देंगे ना फिर मैं आपको बता दूंगा कि नॉर्मल स्कीम लोगे तो क्या होगा कंसेशनल स्कीम लोगे तो क्या होगा जब मैं आपको डिफरेंस बता दूंगा ना फिर आपको सोचने में दिक्कत नहीं आएगी तो पापा ने कहा मेरा बच्चा मेरा बाबू इतना अच्छा बच्चा है भगवान ऐसे मैं तो आज तक कहता था ऐसा बच्चा मतलब कैसा ही, कैसा बच्चा पैदा किया कैसा बंदा भेदा है तूने है खुदा इतना कोई गलती भी खुदा करता है बट आज तो मैं कह रहा हूं ऐसे ही बच्चे मेरे को अगली बार भेजना इतना प्यारा बच्चा देखो मेरे बारे में कितना सोच रहा है मतलब कह रहा है कि कॉम्पोजिट स्कीम जब सर करवा देंगे फिर मैं आपको ना पूरा बता दूंगा डिटेल में कि पापा अगर नॉर्मल स्कीम लोगे तो यह होगा कंसेशनल स्कीम लोगे तो यह होगा और अगर डिफरेंस मुझे पता लग जाएंगे तो मेरे सोचने में दिक्कत ही नहीं आएगी और फाइनली आज वो टाइम आ चुका है अब जितने भी बच्चे हाँ जी सुनना ध्यान से कृष्णा <laughs> बच्चा कह है सर यार हद हो गई यार सुबह सुबह उठ के हैं है हमारे बारे में ऐसा बोलते हो मैंने इतना प्यारा बोला आपका हाँ मैंने क्या कुछ बोला है अब एक बात मेरे को सोच के बताओ मेरा पूरी क्लास का क्वेश्चन है अब अगर मैं आपको नॉर्मल स्कीम और कंसेशनल स्कीम में डिफरेंस बता दूं अच्छा एक बात मेरे को सोच के बताना

जिन जिनके फादर बिजनेसमैन हैं, तो क्या वो अपने फादर को कंसल्ट कर सकते हैं आज के बाद क्या आज के बाद आप अपने फादर को कंसल्ट कर पाओगे बिल्कुल कंसल्ट कर पाएंगे आपने अपने पापा को पा, क्या कंसल्ट करना है कि पापा जो आप नॉर्मल स्कीम लेके बैठे हो ना नॉर्मल स्कीम में ये काम होते हैं बट अगर आप कंसेशनल स्कीम ले लोगे तो ये वाले काम होंगे अब दोनों में से कौन सी स्कीम आपने लेनी है अब वो आपके ऊपर है मैं डिफरेंस क्रिएट कर दूंगा कि नॉर्मल स्कीम वाले ये काम करेंगे कंसेशनल स्कीम वाले ये काम करेंगे अगर दोनों डिफरेंस मेरे सामने आ गए फिर तो बात ही खत्म हो गई तो सबसे पहला क्वेश्चन और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और जिसमें भर भर के एग्जाम में से क्वेश्चन बनते हैं उसको हम स्टार्ट करने जा रहे हैं जी और मैं दोबारा कह रहा हूं इसको छोटा मोटा क्वेश्चन मत लेना सर आप पूरे इंडिया में किसी भी बुक को देख लेना कहीं से भी आपने पढ़ाओ किसी भी ऑथर की बुक को इतनी मेरी गारंटी है जो डिफरेंस मैं आपको यहां पे बता दूंगा ना उस बुक में डिफरेंस देखने को नहीं मिलेंगे और अगर मैंने आपको डिफरेंस बता दिए उसके बाद इस चैप्टर में कुछ है नहीं। सिंबल्स ही नहीं भाई सिंपल सी बात है जब नॉर्मल स्कीम के बारे में पता लग गया कंसेस के बारे में पता लग गया तो फिर चैप्टर तो ऑटोमेटिकली खत्म हो गया ना तो बहुत ध्यान से सुनना टोटल मिला के हम अट्ठारह डिफरेंस करेंगे एटीन डिफरेंस और जब हमारे 18 डिफरेंस कंप्लीट हो जाएंगे तो ये लगा लो ये चैप्टर ऑटोमेटिकली हमारा खत्म होने वाला हो जाएगा जी ठीक है जी अच्छा आपकी समरी बुक जो मैंने आपको दी है आपकी समरी बुक जो ये वाली समरी बुक मैंने आपको दी है ना अगर आप इस समरी बुक में चेक करोगे समरी बुक में मेरे ख्याल से बारह डिफरेंस है जी इसमें आपको बारह डिफरेंस देखने को मिलेंगे ना अब इस बारह के बाद मैं छह डिफरेंस और बताऊंगा अगर आपको लिखने होंगे लिख लेना फोटो क्लिक करनी है फोटो क्लिक कर लेना जैसे आपकी मर्जी है वैसे आप कर लेना चाहिए ठीक है यहां पे बारह लिखे हैं मैं टोटल लिखवाऊंगा अठारह मतलब टोटल मिला के छह डिफरेंस आपको और लिखने पड़ेंगे ठीक है जी थी? चलो इधर देखो ध्यान से मैं कहना क्या चाह रहा हूं अब एक बात मेरे को सोच के बताओ जी सबसे पहला डिफरेंस जो निकल कर रहा है वो डिफरेंस क्या है ठीक है अब बच्चा ये बात कर रहा है सर जल्दी बताओ यार इतना टाइम वेस्ट मत करो मेरे पापा सुबह सुबह उठ के बैठ गए हैं आप मैंने आपने रात को ऑडियो भेजी कि हम चैप्टर करेंगे मेरे फादर साहब उठ के बैठ गए मैं ना अंकल सुनना आप ध्यान से मैं कहना क्या चाह रहा हूँ अब अंकल देखो सबसे पहला डिफरेंस तो ये निकल के आ रहा है कि अगर आपने नॉर्मल स्कीम लेनी है ना अगर आप नॉर्मल स्कीम लेने की सोच रहे हो तो आपको सेक्शन नाइन के प्रोविजन फॉलो करने पड़ेंगे पहली बात तो ये अंकल जीएसटी में एक सेक्शन नंबर नाइन है जीएसटी में एक सेक्शन नंबर नाइन है अब सेक्शन नंबर नाइन में जितनी बातें हैं वो सारी की सारी नॉर्मल स्कीम की हैं तो पहले मैं ये क्लियर कर दूं कि अगर आप नॉर्मल स्कीम लेने की सोच रहे हो या अगर आप नॉर्मल स्कीम लेना चाह रहे हो तो जो भी कंप्लाइंस होंगे वो सारे के सारे सेक्शन नाइन में होंगे सीजीएसटी एक्ट के आपको उसमें जाना पड़ेगा हाँ अंकल अगर आप कॉम्पोजिट स्कीम लेने की सोच रहे हो अगर आप ये चाह रहे हो कि मेरे को कंसेशनल स्कीम लेनी है मेरे को कॉम्पोजिट स्कीम लेनी है मेरे को प्रिजमटिव स्कीम लेनी है उसके लिए आपको सेक्शन नंबर टेन के पास जाना पड़ेगा तो ये पहला डिफरेंस तो निकल के आ रहा है ये नॉर्मल स्कीम वाले जो हैं वो सेक्शन नंबर नाइन के पास जाएंगे और अगर कॉम्पोजिट की बात करूँ कॉम्पोजिट स्कीम वाले सेक्शन नंबर टेन के पास जाएंगे पहला डिफरेंस ये निकल के आ गया अंकल फिर सेकेंड डिफरेंस ये निकल के आ रहा है अगर आप नॉर्मल स्कीम लोगे ना तो आपको पता होगा आपने सुना भी होगा कि नॉर्मल स्कीम में आईटीसी अवेलेबल हो जाता है मतलब नॉर्मल स्कीम वालों में आईटीसी में कोई दिक्कत नहीं है अगर आपने कोई भी इनवर्ट सप्लाई लिया है कोई भी सामान परचेज किया उस परचेज पर जो भी आपने जीएसटी पे किया होगा उसका आप आईटीसी क्लेम कर सकते हो और सही बताऊं अंकल आपके नालायक बच्चे से मतलब ना, जो नालायक बच्चा आपके साथ बैठा है ना ये जो क्लास देख रहा है मैं सही बता रहा हूँ इससे इंटेलिजेंट इस टाइम पूरे इंडिया में कोई नहीं हो सकता क्योंकि हम आई से वाला चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं आप सब जानते हो सेक्शन सोलह में आई टी लेने की कितनी कंडीशन होती हैं या तो रजिस्टर्ड रे पर्सन होना चाहिए सेक्शन टेन वाला ना हो यू वाला ना हो फिर उसकी कंडीशन है टैक्स इन्वाइस में हो फैक्ट्री में सामान आ चुका हो गवर्नमेंट को जीएसटी पे कर दिया हो रिटर्न फाइल कर दियो इन्वॉइस अपलोड कर दियो सेवनटीन फाइव में कवर ना हो वो सारी आईटीसी अवेलमेंट वाली बातें जो हैं वो नॉर्मल स्कीम वालों के हाथ में अप्लीकेबल होती हैं कंसेशनल स्कीम में अप्लीकेबल नहीं होती तो सिंपल सी बात ये निकल कह रहे कि जब भी कोई सामान आप बिजनेस के लिए परचेज करके आओगे ना उस परचेज पर जो भी आप जीएसटी पे करोगे उसका नॉर्मल स्कीम में आप आई से अवेलेबल क्लेम कर लोगे बट वैसे कंसेशनल स्कीम की बात करूंगा कंसेशनल स्कीम वाले केस में आई से आपको मिलेगा ही नहीं और आई से क्यों नहीं मिलेगा ये आपको बताएगा जी और बताओ ना लायक अंकल को बताओ ना आईटीसी क्यों नहीं मिलेगा अरे पापा आपको मैंने बताया तो था उस दिन कि जो आईटीसी होता है ना उसके लिए क्या होना चाहिए रजिस्टर्ड रजिस्टर्ड पर्सन पर्सन और में सेक्शन आई वाले लोग यहाँ पे कवर नहीं होते तो सेक्शन टेन वाले जब यहाँ पे कवर नहीं होंगे तो ऑब्वियसली बात है कॉम्पोजिट स्कीम सेक्शन टेन में है और जब वो सेक्शन टेन वाले रजिस्टर्ड पर्सन में ही कवर नहीं होंगे इसलिए वो आई टीसी अवेल नहीं कर पाएंगे ये मेन बात निकल के आती है तो सिंपल सी बात ये निकल के आ रही है कि नॉर्मल स्कीम वाले आईटीसी अवेल कर लेंगे और कंसेशनल स्कीम वाले आईटीसी अवेल नहीं कर पाएंगे ये डिफरेंस निकल के आ रहा है अब देखो मैंने एग्जांपल दिया हुआ जी नॉर्मल स्कीम का ये निकल के आ रहा है कि मान लो मिस्टर एक्स है ठीक है जी मान लो मिस्टर एक्स है और यहाँ पर मिस्टर वाई है अब अगर एक्स ने वाई को सामान बेचा तो जो भी जीएसटी पे किया मिस्टर वाई ने तो वाई क्या करेगा उसका आई क्लेम कर लेगा फिर वाई जेड को सामान बेचेगा ऐसे यहां पे एक्स ने वाई को समान बेचा अब अगर एक्स ने वाई को समान बेचा कि यहाँ पे एक्स ने जीएसटी पे किया बट मिस्टर वाई आईटीसी क्लेम नहीं कर पाएगा रीजन क्योंकि वो कंसेशनल स्कीम वाला तो दोनों में डिफरेंस बस ये निकल के आ रहा है कि अगर अगर ये दोनों नॉर्मल स्कीम लेंगे तो आईटीसी क्लेम कर लेंगे अगर ये कंसेशनल स्कीम लेंगे तो जो भी वो जीएसटी पे करके आएंगे उसका आईटीसी अवेल नहीं कर सकते अब एक बात मेरे को सोच के बताओ यार मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है ओए ओए सारिका सारिका इधर इधर

यार मेरे को बताओ ना भाई कंसेशनल स्कीम में तो मैंने कहा था कि जीएसटी पे ही नहीं करना होता और जब कंसेशनल स्कीम में जीएसटी लगता ही नहीं है तो फिर ये जीएसटी की बातें क्यों हो रही हैं कंसेशनल स्कीम में आंसर दो तो मुझे फटाफट से अच्छा बच्चा कह रहा है सर छोटे बच्चे नहीं है आज चिल्ड्रन डे होगा बट चिल्ड्रन डे आप हमें कर सकते हो बट उस लेवल के छोटे बच्चे नहीं है कैसे बेकार की बातें कर रहे हो कंसेशनल स्कीम स्कीम जो है ना कंसेशनल वो हमारी आउटवर्ड सप्लाई पर एप्लीकेबल होती है इनवर्ड सप्लाई पर थोड़ा लगती है और जो भी आईटीसी की बातें होती हैं वो तो इनवर्ड सप्लाई वाले जीएसटी की होती हैं सर क्या हो गया आपको जब भी आप कोई सामान परचेस करके आते हो परचेस पे आप जो भी जीएसटी पे करके आओगे तो उसकी आईटीसी की बात ही हो रही है ना अब परचेस पे जीएसटी तो सामने वाली पार्टी चार्ज करेगी और सामने वाली पार्टी नॉर्मल स्कीम में अगर कवर है तो भाई साहब वो तो जीएसटी चार्ज करेगा ही करेगा ना वो तो हम जब आगे सप्लाई करेंगे तब हम जीएसटी चार्ज नहीं कर पाएंगे क्योंकि हम कंसेशनल स्कीम में कवर है अच्छा समझ आ गया समझ आ गया गुस्सा क्यों हो रहे हो फिर भाई आराम से बोल दो ना भाई कंसेशनल स्कीम जो है वो आउटवर्ड सप्लाई पर एप्लीकेबल होती है इनवर्ड सप्लाई पे नहीं होती तो इनवर्ड सप्लाई पे जो भी आपने जीएसटी पे किया होगा नॉर्मल स्कीम वाले केस में आईटीसी अवेल कर लोगे और कंसेशनल स्कीम वाले केस में आईटीसी अवेल नहीं कर पाओगे अंकल तीसरा डिफरेंस देखो ध्यान से तीसरा डिफरेंस क्या निकल के आ रहा है अब तीसरा डिफरेंस अंकल ये निकल के आ रहा है कि जब भी आप नॉर्मल स्कीम में गवर्नमेंट को जीएसटी पे करने जाओगे ना अंकल अंकल जब नॉर्मल स्कीम सुनो ध्यान से जब नॉर्मल स्कीम में आप गवर्नमेंट को जीएसटी पे करने जाओगे तो आप क्या करोगे पूरा का पूरा टैक्स नहीं पे करोगे आप उसमें से आई माइनस कर लोगे फिर जो बैलेंस जीएसटी बचेगा वो देने जाओगे बट अगर कंसेशनल स्कीम की बात करूंगा तो कंसेशनल स्कीम में जो भी कंसेशनल टैक्स बनेगा

अंजलि 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 इधर एक बात बताओ आपसे मेरा क्वेश्चन है हेलो हेलो इधर इधर अंजलि एक बात बताओ नॉर्मल स्कीम अगर मैं ले लेता हूं तो क्या मैं कहीं पर भी सामान सेल कर सकता हूं मतलब अगर मुझे कहीं पर भी सामान बेचना है तो क्या मैं बेच सकता हूं बिल्कुल बेच सकता हूं अगर मेरे को कहीं से भी सामान परचेज करना है तो क्या परचेज मैं कहीं से भी कर सकता हूं बिल्कुल <students> कर सकता हूं बट अगर मैं कॉम्पोसिट स्कीम की बात करूंगा तो क्या मैं कहीं से भी सामान परचेज कर सकता हूं कर सकता हूं से भी कर सकता तो तो वो था तो सही कि इंटर स्टेट इंटर स्टेट नहीं कर पाओगे क्या था वो इंटर स्टेट हाँ बिल्कुल सही बोल रहे हो अरे अरे सो क्यों गए बीच में बताओ ना आगे क्या था इंटर स्टेट सप्लाई नहीं कर सकते परचेज कहीं पर भी कर सकते हो ओके मतलब आप ये बात कहना चाह रहे हो नॉर्मल स्कीम वाले जो हैं वो भाई साहब परचेज सेल कहीं पर भी कर सकते हैं बट कॉम्पोजिट वाले परचेज कहीं से भी कर सकते हैं बट इंटर स्टेट सप्लाई नहीं कर सकते बस ये बात ध्यान दो जी तो देखो यहाँ पे अगला पॉइंट क्या निकल के आ रहा है भैया नॉर्मल स्कीम वाले परचेज कहीं से भी करें सेल कहीं पर भी करें कॉम्पोजिट वाले परचेज कहीं पर भी करें बट इंटर स्टेट सप्लाई नहीं कर पाएंगे ठीक है तो देखो मैंने यहाँ पे क्या लिखा है जी देखो यहां पे नॉर्मल स्कीम वाले परचेज ओके है सेल ओके है कोई दिक्कत नहीं है बट अगर कॉम्पोजिट वालों की बात करूंगा परचेज कहीं से भी करें बट अगर सप्लाई करनी है तो इंट्रा स्टेट सप्लाई कर सकते हैं इंटर स्टेट सप्लाई उनको अलाउड नहीं है ये चौथा डिफरेंस निकल के आ रहा है ये चौथा डिफरेंस निकल के आ रहा है अब प्रज्ञा कह रही है सर ऐसे तो बिजनेस लिमिटेड हो जाएगा ना मेरे बाबू एक बात बताओ ऐसे अगर बिजनेस लिमिटेड हो जाएगा तो फिर आप कॉम्पोजिट स्कीम मत लो ना किसने कॉम्पोजिट स्कीम लो नहीं यार समझ में आप फिर नॉर्मल स्कीम ले लो आप नॉर्मल स्कीम में जाओ सारे कंप्लेन पूरे करो कहीं पर भी सेल करो मतलब आप खुद कह रहे हो कि मैं छोटा बिजनेसमैन हूं तो भाई साहब अगर छोटे बिजनेसमैन हो तो दूसरी स्टेट के सपने क्यों और अगर दूसरी स्टेट के सपने देखने हैं या बाहर वाली कंट्री के सपने देखने हैं तो आपको नॉर्मल स्कीम में आना पड़ेगा फिर कॉम्पोजिट स्कीम आपके लिए नहीं है बस ये बात ध्यान दो ठीक तो है तो सिंपल से बात ये निकल कि अगर आप कॉम्पोजिट स्कीम ले रहे हो तो सिर्फ और सिर्फ इंट्रा स्टेट सप्लाई कर पाओगे इंटर स्टेट सप्लाई आपको अलाउड नहीं करेंगे बात ध्यान दो जी ठीक है चार डिफरेंस हमारे क्लियर हो गए उसके बाद एक और पांचवा डिफरेंस क्या निकल के आ रहा है पांचवा डिफरेंस

तरनीत कह रही है सर एक्सपोर्ट भी नहीं कर सकते बट गवर्नमेंट तो एक्सपोर्ट को प्रमोट करती है इधर आओ तरनीत इधर आओ इधर आओ इधर आओ इधर आओ गवर्नमेंट एक्सपोर्ट को प्रमोट करती है इसका मतलब कॉम्पोजिट वाला एक्सपोर्ट करें मतलब एक छोटा बिजनेसमैन जिसके छपने छोटे हैं इंडिया से बाहर के सपने देख रहा है मतलब गवर्नमेंट के लिए भाई क्या कर रहा है तू सपने तेरे इंडिया से बाहर सामान बेचने के हैं और है तू छोटा बिजनेसमैन ये मैच नहीं हो रहा थोड़ा सा अगर सपने तेरे अपनी स्टेट से बाहर देखने के हैं ना चाहे वो दूसरी स्टेट के हैं चाहे वो दूसरी कंट्री के हैं तुझे आना पड़ेगा। तो ये निकल क्या सपने फिर तो भाई साहब कॉम्पोजिट की बात करेगा नहीं तो वो नॉर्मल की बात करेगा बस ध्यान दे। चलो इधर मेरे को बताओ जी एक बार आप डिफरेंस बता पांचों डिफरेंस सारे बच्चे डिफरेंस oh, eh! कौन कौन से हो गएंगे कॉम्पोजिट uh, वाले टेन ले, ले पाएंगे पहला डिफरेंस कंप्लीट हो गया भाई साहब नॉर्मल स्कीम वाले अरे नॉर्मल स्कीम की बात कर रहा हूं नॉर्मल स्कीम वाले ना हां जी नॉर्मल स्कीम नॉर्मल स्कीम नॉर्मल स्कीम वाले जो हैं वो आई टी सी अवेल कर पाएंगे कॉम्पोजिट वाले आई टी सी अवेल नहीं कर पाएंगे फिर भाई साहब यो कह लग रहा है कि नॉर्मल स्कीम वाले जो है जब भी गवर्नमेंट को जीएसटी पे करने जाएंगे उसमें से आईटीसी माइनस कर लेंगे कंपोजिट वालों को आईटीसी मिलता ही नहीं है तो जो भी उनका टैक्स बनेगा वो उनको देना पड़ेगा फिर भाई साहब सुनो मेरी बात नॉर्मल स्कीम, स्कीम वाले कहीं से भी सामान परचेस करेंगे कहीं भी सामान बेचेंगे कंसेशनल स्कीम वाले कहीं से भी सामान परचेस तो कर सकते हैं बट जब वो सेल करेंगे तो वो इंटरेस्टेड सेल करेंगे इंटरेस्टेट सेल नहीं करेंगे फिर नॉर्मल स्कीम कोई भी पर्सन ऑप्ट कर सकता है कंसेशनल स्कीम में टर्नओवर की लिमिट है अगर इतनी टर्नओवर होगी तभी कंसेशनल स्कीम ले पाओगे नहीं तो कंसेशनल स्कीम नहीं ले पाओगे ये डिफरेंस हमारा निकल के आ रहा है क्या बात है क्या बात है क्या बात है बहुत बढ़िया मजा ही आ गया भाई साहब आपके आंसर देख के कमाल हो गया जी ठीक है अब आ जाओ अगला डिफरेंस क्या है? अब अगला डिफरेंस भाई साहब ये निकल के आ रहा है कि अगर आप नॉर्मल स्कीम में कवर हो अगर आप नॉर्मल स्कीम में कवर हो आपको रिटर्न फाइल करनी है जीएसटी के अंदर कितनी रिटर्न फाइल करनी है आपको फाइल करनी है 25 रिटर्न आपको फाइल करनी है 25 रिटर्न सर 25 रिटर्न नहीं 25 रिटर्न ओए 25 रिटर्न रिटर्न कैसे 25 कैसे 25 कैसे हो रही हैं एक तो मैंने आपको कहा था याद करो क्लास में

आप जो रिटर्न फाइल करते हो वो सिर्फ और सिर्फ एक महीने की एक रिटर्न फाइल नहीं करती एक क्वार्टर की एक रिटर्न फाइल करते हो और अगर एक क्वार्टर की एक रिटर्न फाइल करोगे तो पूरे साल में चार एक हो गई एनुअल आपको फाइल करनी पड़ेगी पांच बट अगर वही आप कॉम्पोजिट स्कीम लेके बैठते हो अगर वही आप कॉम्पोजिट स्कीम लोगे तो पूरे साल में दो ही रिटर्न फाइल करनी है इससे ऊपर रिटर्न फाइल नहीं करनी तो देखो यहाँ पे फायदा है जी मतलब वहां पे 25 रिटर्न फाइल करनी है 20 तारीख को 22 तारीख को 24 तारीख को वो डिपेंड करता है डेट कौन सी है अगर क्यू आर एम पी स्कीम लोगे तो फाइव रिटर्न फाइल करनी है बट अगर बात करूंगा कॉम्पोजिट स्कीम की तो गवर्नमेंट करिए के हर केस में दो ही रिटर्न फाइल करनी है तो जीएसटीआर फोर और एक जीएसटीआर नाइन ए ये दो रिटर्न फाइल करनी है बस ये पर ध्यान दो जी तो देखो यहाँ पे क्या लिखा है जी कॉम्पोजिट वाले केस में आपको एक फाइल करनी है एनुअल दूसरी फाइल करनी है एनुअल टोटल ओके दो रिटर्न एक तो जीएसटीआर फोर और एक जीएसटीआर नाइन ए ये दो तक रिटर्न फाइल करनी है कॉम्पोजिट वाले में जी कोई दिक्कत तो ना को ना को ना को कोई दिक्कत तो ना को ठीक है आगे बढ़ जाओ पक्का से आगे बढ़ जाए आगे, आगे, आगे जी अब अगला पॉइंट निकल के आ रहा है कि नॉर्मल स्कीम में हायर टैक्स के रेट होते हैं और कंसेशनल स्कीम में लोअर टैक्स रेट होते हैं भाई नॉर्मल स्कीम वाले केस में टैक्स रेट ज़्यादा होते हैं कंसेशनल स्कीम वाले केस में टैक्स रेट कम होते हैं फिर नॉर्मल स्कीम में डिटेल बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करनी है और कंसेशनल स्कीम में आपको लेस बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करनी है कम मेंटेन करनी है नॉर्मल स्कीम वाले केस में क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स की रिक्वायरमेंट है कंसेशनल स्कीम में क्लासिफिकेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है इसका मतलब क्या है क्या कह रहे हो बच्चा एक डाउट आया बच्चे का सर एक रिक्वेस्ट है कॉम्पोजिट स्कीम की डेफिनेशन क्रक्स में लिखवा देना जिससे रीड करते याद आ जाए वट एक्चुअली कॉम्पोजिट स्कीम अरे आयुषी हर चीज़ का मेरे बच्चे क्रक्स नहीं होता हाँ कितने क्रक्स याद करोगे कॉम्पोजिट स्कीम इसमें मतलब एकदम पढ़ते याद ना एक ही तो स्कीम है पूरे जीएसटी में यार कैसी कैसी बातें कर रहे हो पूरे जीएसटी में एक स्कीम है कॉम्पोजिट स्कीम इसको देखते ही याद आता है कि छोटे बिजनेसमैन के लिए मैंने इतने सारे जब नाम आपको बता दिए तो या तो होना चार पांच स्कीम हो तो सर फिर कंफ्यूजन हो रही है कि ना फिर आप हमें कुछ लिखवाओ जिसे हमें याद आए जब पूरे चैप्टर में है ही एक स्कीम तो उसमें याद करने की रिक्वायरमेंट तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना फिर तो ऑब्वियस ऑब्वियसली बात है कि अगर जहां 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 कॉम्पोजिट स्कीम की बात होगी वहां वहां इसी स्कीम की बात होगी दूसरी कोई स्कीम ही नहीं है ठीक है ना तो इसमें कोई लिखवाने की रिक्वायरमेंट नहीं है ऐसे हर जगह नहीं होता ठीक है तो कॉम्पोजिट स्कीम तो एक ही है पूरे जीएसटी में हां टर्नओवर तो यार टर्नओवर पे जब आएंगे टर्नओवर का तो करक्स अलग करेंगे जी टर्नओवर का तो करक्स अलग करेंगे ठीक <coughs> है चलो जी इधर देखो ध्यान से इधर देखो ध्यान से एक बार मेरे को ये बताओ पहले तो मेरे को ये बताओ पहले मेरे को ये बताओ, बताओ अरे सुनो ध्यान सुनो पहले बताओ ये, ये मेरे हाथ में क्या है ये मेरे हाथ में क्या है जल्दी बोलो ये मेरे हाथ में क्या जी क्या ये मेरे हाथ में रियल का मिक्स फ्रूट जूस है अब एक बात मेरे को बताओ ये मेरे हाथ में अगर मैंने नॉर्मल स्कीम ली है अगर मैंने नॉर्मल स्कीम ली है मेरी दुकान पे मैं ये सेल करता हूं मेरी दुकान पे सेंटर फ्रेश क्या नाम है इसका सेंटर फ्रेश ओके है चिंगम ओके सेंटर फ्रेश है ये लिक्विड फिल्ड गम ओके एक है सेंटर फ्रेश मैं इसको सेल करता हूँ उसके बाद मान लो ये जो है ये नारियल इसको मैं सेल करता हूँ उसके बाद फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मान लो मैं रिमोट भी बेचता हूं मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है अब अगर मैं ये सब सब सामान अपनी दुकान के ऊपर बेचता हूं तो अगर मैं नॉर्मल स्कीम वाला हूं तो क्या हर गुड्स को मुझे क्लासीफाई करना पड़ेगा नहीं करना पड़ेगा क्या सेंटर फ्रेश पे जीएसटी जी का रेट अलग होगा बिल्कुल जीएसटी जी का रेट अलग होगा क्या रियल जूस पे जीएसटी का रेट अलग होगा बिल्कुल रेटा अलग होगा क्या नारियल वाले केस में जीएसटी का रेट अलग होगा बिल्कुल अलग होगा क्या रिमोट वाले केस में जीएसटी का रेट अलग होगा बिल्कुल अलग होगा तो गवर्नमेंट करिए नॉर्मल स्कीम वाले केस में क्लासिफिकेशन की रिक्वायरमेंट है बट अगर वही तुम कॉम्पोजिट स्कीम की बात करोगे ना तो कुछ नहीं है भाई जितनी भी तुमने जितनी भी तुमने सेल की उन सब की जो भी टर्नओवर होगी उस कंबाइंड टर्नओवर पर हमें एक रेट एप्लीकेबल करेंगे उसमें कोई भी क्लासिफिकेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है मतलब 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 सर आपने क्या कहा अरे मैंने नालायक को यह कहा कि नॉर्मल स्कीम में सेंटर फ्रेश पे अलग रेट लगेगा जोस पे अलग रेट लगेगा नारियल पे अलग रेट लगेगा रिमोट पे अलग लगेगा बट वही कॉम्पोजिट स्कीम क्या होगा इन सबको एग्रीगेट कर लेंगे और जो भी तुम्हारी एग्रीगेट टर्न होगी उस पूरी टर्न का एक सिंगल परसेंटेज होगा उससे तुम्हें मतलब नॉर्मल टैक्स देना पड़ेगा कंसेशनल टैक्स देना पड़ेगा इस तरह से निकल के आएगा तो कंसेशनल स्कीम वाले केस में कोई भी क्लासिफिकेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है और कॉम्पोजिट वाले केस में सॉरी नॉर्मल स्कीम वाले केस में क्लासिफिकेशन की रिक्वायरमेंट है कंसेशनल स्कीम वाले केस में कोई भी क्लासिफिकेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है तो मेरी आपके पल्ले पढ़ती है जी। I think आपके पापा सो गए हैं मेरी बातें सुनते सुनते एक बार उनको उठा दो कि पापा नो no डिफरेंस हमारे कंप्लीट हो चुके हैं फिर मत कहना कि मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि स्कीम कौन सी लेनी है ठीक है चलो जी अभी बताओ नॉर्मल स्कीम वाले हां जी रिटर्न वाला चैप्टर हमारा हो चुका है रिटर्न वाला चैप्टर हमारा हो चुका है अब दोबारा से नहीं होगा ना अभी तो रिटर्न वाला चैप्टर कंप्लीट किया आपने बच्चा रिटर्न वाला चैप्टर अलग से होगा वो हो चुका है हमारा जी जल्दी बोलो फटाफट से जी मेरे को बस ये बताओ नो डिफरेंस कौन कौन से निकल के आ रहे हैं नो डिफरेंस हमारे कौन कौन से निकल के आ रहे हैं नो डिफरेंस जल्दी बोलो जल्दी नो डिफरेंस कौन कौन से निकल के आ रहे हैं पहला डिफरेंस कौन सा निकल के आ रहा है जल्दी बोलो यार पहला डिफरेंस कौन सा निकल के आ रहा है नॉर्मल स्कीम वाले कहा जाएं उनका रास्ता कहाँ पे है सेक्शन नंबर नाइन कंसेशनल स्कीम वाले कहाँ जाएं सेक्शन नंबर टेन नॉर्मल स्कीम वाले क्या आई टी ले लेंगे बिल्कुल ले लेंगे कंसेशनल स्कीम वाले क्या आई टी ले लेंगे नहीं ले पाएंगे नॉर्मल स्कीम वाले जब गवर्नमेंट को जीएसटी देने जाएंगे तो क्या वो आई माइनस करने के बाद पे करेंगे नेट जी पे करेंगे येस yes. क्या कंसेशनल स्कीम वाले जब कंसेसनल टैक्स देने के लिए जाएंगे तो क्या को क्या कोई वो आई माइनस करेंगे नहीं वो कंप्लीट टैक्स पे करेंगे नॉर्मल स्कीम वाले परचेज कहीं से भी करें सेल कहीं पर भी करें कम्पोजिट वाले परचेज कहीं पर भी करें सेल जो करेंगे वो इंटरेस्ट रेट करेंगे इंटरेस्ट रेट नहीं कर

फिर नॉर्मल स्कीम वाले हायर रेट ऑफ टैक्स होंगे कंसेशनल स्कीम वाले के इसमें लोअर रेट ऑफ टैक्स होंगे नॉर्मल स्कीम वाले ज्यादा बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करेंगे कंसेशनल स्कीम वाले कम बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करेंगे उसको तो भगवान तुम्हारा भला करे नॉर्मल स्कीम में क्लासिफिकेशन की रिक्वायरमेंट होती है गुड्स और सर्विस की और कॉम्पोजिट स्कीम में कोई भी क्लासिफिकेशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है ये सारी बातें हमने की हैं चलो जी क्या बात है तो यहाँ तक हमारा कंप्लीट अपना हो चुका है आगे देखो ध्यान से अब ऑडिट तो भाई साहब खत्म ही हो चुका है तो नॉर्मल स्कीम वालों को भी ऑडिट नहीं कराना कंसेशनल स्कीम में तो वैसे ही नहीं था इस पॉइंट को मैंने कट कर दिया ठीक है फिर आगे निकल कह रहा है कि नॉर्मल स्कीम में जो जीएसटी का बर्डन है वो हम शिफ्ट करते हैं कंज्यूमर की जेब पे भाई नॉर्मल स्कीम में जो भी जीएसटी का बर्डन है वो हम शिफ्ट करते हैं कंज्यूमर की जेब पे और कंसेशनल स्कीम में जो भी टैक्स का बर्डन होगा ना वो कंज्यूमर की जेब पे शिफ्ट नहीं होगा

तो क्या वो सप्लायर अपनी जेब से गवर्नमेंट को पे करता है या कस्टमर की जेब में हाथ डालता है फिर पे करता है गवर्नमेंट को बताओ कैसे पे करता है अरे सर बिल्कुल सिंपल सी बात है भाई नॉर्मल स्कीम वाले केस में तो जो जो भी जीएसटी लगता है वो कंज्यूमर से कलेक्ट करता है ना आपने मैं क्लास में हल्दीराम वाला एग्जांपल भी तो दिया था आपने मैं क्लास में, में हल्दीराम वाला एक्जाम्पल दिया नहीं था कि हल्दीराम ने रार रारचोरी बेची हल्दीराम ने कस्टमर के लिए में हाथ डाला फिर पैसे निकाले फिर पे किया गवर्नमेंट को तो बट ऑब्वियसली बात है कि नॉर्मल स्कीम में क्या हो रहा है बर्डन शिफ्ट हो रहा है बट वही अगर मैं कंसेशनल स्कीम की बात करूंगा तो जो भी कंसेशनल टैक्स होगा ना वो कस्टमर से तुम कलेक्ट नहीं कर पाओगे बात लो में लिखी है मतलब फिर जो भी सप्लायर को जिसने कॉम्पोजिट स्कीम ली है उसने जो भी कंसेशनल टैक्स पे करना है वो अपनी ही जेब से पे करेगा उसका बर्डन उसके खुद की जेब पर आएगा वो कस्टमर की जेब पर पास ऑन नहीं कर सकता बस ये बात ध्यान दुज तो ये बहुत बड़ा पॉइंट है मेरे बच्चे मेरा बाबू मेरा भिंडी मेरा गोभी कलर का बच्चा ये बहुत बड़ा पॉइंट है ये बहुत ही बड़ा पॉइंट है बहुत सारे बच्चों को पॉइंट नहीं पता होता तो नॉर्मल स्कीम में बर्डन हम शिफ्ट कर सकते हैं कॉम्पोजिट वाले में जो भी कंसेशनल टैक्स होगा उसका बर्डन सप्लायर की जेब पर ही होगा उसका बर्डन जो है वो रिसीवर के ऊपर पास ऑन नहीं करेंगे बस ये बार ध्यान दो दुज क्या आपको मेरी बातें समझ में आती है आगे हम बढ़ सकते हैं जी बिल्कुल 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 उसके बाद एक अगला पॉइंट क्या निकल के आ रहा है अगला पॉइंट फिर निकल के रहा है कि नॉर्मल स्कीम वाले क्या इशू करेंगे टैक्स इन वॉस इशू करेंगे और वाले क्या इशू करेंगे बिल ऑफ सप्लाई इशू करेंगे दोबारा बोलो नॉर्मल स्कीम वाले क्या इशू करेंगे टैक्स इन वॉइस इशू करेंगे और कॉम्पोजिट वाले बिल ऑफ सप्लाई इशू करेंगे एक बार फिर बोलो नॉर्मल स्कीम वाले क्या इशू करेंगे टैक्स इन वॉइस इशू करेंगे और कॉम्पोजिटिटिटिटिट वाले क्या इशू करेंगे बिल ऑफ सप्लाई इशू करेंगे अब नॉर्मल स्कीम वाले जो है ना नॉर्मल स्कीम वाले अपने टैक्स इनवॉइस के ऊपर ना मेंशन नहीं करेंगे जैसे मान लो ए, ए, ये 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 ये, ये मान लो ये मेरा टैक्स इनवॉइस है ठीक है नहीं अब मान लो ये मेरा टैक्स है ये मेरा टैक्स इनवॉइस है ओए 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 क्या हो गया भाई नहीं क्या हो गया सोने के लिए बैठे हो गए क्लास में ऐसी कौन सी थकावट हो गई आप तो क्लास लेने के बाद मैराथन लेने के बाद सो गए होंगे मैं सुबह साढ़े सात बजे हॉस्पिटल गया अपने मेरा भाई वहां पे था और हम कल डिस्चार्ज होके शाम को सात बजे वापस आए हैं और मैं कल दस साढ़े दस बजे सोया हूँ और मैं सुबह साढ़े चार उठ गया हूँ और तो आपका देखो आपका मुकाबला थोड़ा कर सकते हैं नहीं ये तो आपके आप, के, आप के ना, ना, ना ना सर हमें तो कम से कम हम मैराथन लेने के बाद कम से कम बारह घंटे कल सोए हैं मतलब ही नहीं कोई हमें उठा के दिखा दे हाथ लगाना पाप है हमें हम भड़क जाते हैं हम छोड़ते हैं किसी को भी हाथ लगा के दिखा दे कोई घर वाला और अभी भी हम सोएंगे सर आप जो करना है कर लो हमारा ना लायक कहीं के एक बात मेरे को सोच के बताओ अब जो ये मेरा टैक्स इनवॉयस है जो ये मेरा टैक्स इनवॉयस है अब अगर ये मेरा टैक्स इनवॉयस है तो गवर्नमेंट कर टैक्स इनवॉयस के ऊपर ना लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है मतलब टैक्स इनवॉयस के ऊपर ना ऐसा कुछ लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है कि हा हमने नॉर्मल स्कीम ली है हम जीएसटी चार्ज करेंगे उसका बर्डन कंज्यूमर के जेब पे शिफ्ट करेंगे हाँ ये करेंगे वो करेंगे ऐसा कुछ भी लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है बट अगर वही कॉम्पोजिट वाले हैं अगर वही कॉम्पोजिट वाले हैं तो कॉम्पोजिट वाले केस में उसको बिल ऑफ सप्लाई के ऊपर करना पड़ेगा कि हाँ मैं कॉम्पोजिट पर्सन हूं हाँ मैं के लिखनी है। तो देखो मैं है जी। मैंने यहां पे लिखा है कि यहाँ पे कोई ऐसा लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है बट इसको यहाँ पे लिखना पड़ेगा उसको बिल ऑफ सप्लाई के ऊपर लिखना पड़ेगा कि हाँ मैं कॉम्पोजिट वाला पर्सन हूँ और मैं कस्टमर से टैक्स कलेक्ट नहीं करूंगा जी। उसके बाद जी देखो यहां पे जी देर इज नो सच रिक्वायरमेंट इसका मतलब क्या है नॉर्मल स्कीम में ऐसा कोई ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है कि दुकान के बाहर हाँ जी दुकान के बाहर एक बोर्ड लगा दो हाँ मैं नॉर्मल स्कीम वाला पर्सन हूं हाँ मैं जीएसटी चार्ज करूंगा मैं बर्डन शिफ्ट करूंगा मैं आई टी सेवेल करूंगा ऐसा कुछ लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं बट कॉम्पोजिट वालों को अपनी दुकान के बाहर बोर्ड लगाना पड़ेगा

और कंसेशनल्स के वालों में कोई भी एप्लीकेबल नहीं होगा इनको सेस पे करने की रिक्वायरमेंट ही नहीं है तो अब जाके ना पंद्रह डिफरेंस हमारे कंप्लीट हो चुके हैं अच्छा क्लास में कोई ऐसा बच्चा है क्लास में क्या कोई ऐसा बच्चा है जो मेरे को पंद्रह के पंद्रह डिफरेंस बता दे मान जाऊंगा आपको क्लास में कोई सिंगल बच्चा भी ऐसा जो मेरे को पंद्रह के पंद्रह डिफरेंस बता दे मान जाऊंगा आपको अभिषेक अभिषेक रेनू यश यार इतने सारे बच्चे हैं क्या आप में से कोई सिंगल बच्चा भी ऐसा नहीं है जो मेरी इज्जत रख ले कि जो मेरे को डिफरेंस बता पंद्रह के पंद्रह डिफरेंस कौन से हैं मेरे बच्चे बोलो ना बच्चा कह रहा है क्यों नहीं बता सकते सर बताएंगे ये लो सुनो फिर ध्यान से बताओ जी मेरे को नहीं बताना मेरे को नहीं बताना ऐसे मानो कोई सामने एक पर्सन आप उसे बता रहे हो आप ये मानो सामने एक पर्सन है आप उसे बता रहे हो चलो बताओ जी एक मिनट रुको सर हाँ देखो भाई अब हम तुम्हें डिफरेंस बताने जा रहे हैं और जो हम डिफ्रेंस बताने जा रहे हैं उनको बहुत ध्यान रखना ये तुम्हें हेल्प करेंगे तुम्हें स्कीम कौन सी लेनी है देखो भाई अगर तुम्हें नॉर्मल स्कीम लेनी है अगर तुम्हें नॉर्मल स्कीम लेनी है तो तुम सेक्शन नंबर नाइन के पास जाओ अगर तुम्हें कंसेशनल स्कीम लेनी है सेक्शन नंबर टेन के पास जाओ ये तो पहला डिफरेंस हो गया फिर नॉर्मल स्कीम में, में तुम्हें आई से मिल जाएगा मतलब जो भी तुम्हारी इनवर्ट सप्लाई होगी जो तुम्हारी परचेस होगी अगर वो तुम बिजनेस के लिए कर रहे हो उसमें जो भी तुमने जीएसटी पे किया होगा उसको तुम्हें बेनिफिट मिल जाएगा आई से मिल जाएगा और अगर तुम कंसेशन स्कीम वाले हो उसमें कोई भी आई आपको नहीं मिलेगा ये काम खत्म होता है तीसरा पॉइंट ये निकल करे जब भी तुम गवर्नमेंट को जीएसटी पे करने जाओगे तो आईटीसी माइनस करने के बाद जो नेट जीएसटी होगा वो देने जाओगे और कॉम्पोजिट वाले में क्या होगा कॉम्पोजिट वाले में जो तुम्हारा टैक्स बनेगा वही तुम्हें देना होगा उसके इसमें आईटीसी माइनस करने का मतलब ही नहीं है फिर चौथा डिफरेंस ये निकल करे कि नॉर्मल स्कीम वाले परचेज कहीं से भी करें सेल कहीं पर भी करें मैटर नहीं करता कॉम्पोजिट वाले सेल इंटरेस्ट रेट करेंगे परचेज कहीं से भी कर सकते हैं फिर नॉर्मल स्कीम में क्या होता है नॉर्मल स्कीम में कोई भी पर्सन स्कीम ले सकता है स्कीम है है, है में डेढ़ सौ लाख पचहत्तर लाख और पचास लाख रुपए की टर्नओवर होती है फिर नॉर्मल स्कीम में जो रिटर्न फाइल करते हैं वो फाइल हैं पच्चीस कुछ केस में पांच रिटर्न जाती है और कंसेशनल स्कीम के तो हर केस में आपको दो ही रिटर्न फाइल करने है। दोनों के दोनों एनुअल है फिर नॉर्मल स्कीम वाले केस में नॉर्मल स्कीम वाले केस में भगवान झूठ ना बुलवाए नॉर्मल स्कीम वाले केस में हायर बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने हैं वाले में कम बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने हैं

नॉर्मल स्कीम में दुकान के बाहर कोई बोर्ड लगाने की रिक्वायरमेंट नहीं है कंपोजिट वालों में रिक्वायरमेंट है नॉर्मल स्कीम वालों में क्लासिफिकेशन करना जरूरी है कंपोजिट में क्लासिफिकेशन की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं होती फिर नॉर्मल स्कीम वाले जीएसटी सेस पे करते हैं कंपोजिट वाले जीएसटी सेस पे नहीं करते जी ये सारी बातें हमारी निकल के आ रही हैं ओ oh माय गॉड शुक्र है भाई साहब अब जाके टोटल हमारे पंद्रह डिफरेंस कंप्लीट हो जाते हैं हाँ एक पॉइंट और मेरा रह गया कि नॉर्मल स्कीम में जीएसटी जी का बर्डन हम कस्टमर के लिए पे शिफ्ट कर सकते हैं कंसेशनल स्कीम के अंदर हम बर्डन शिफ्ट नहीं कर सकते मतलब उसका बर्डन हमारी ही जेब पर होगा हम कंज्यूमर के लिए पे पास ऑन नहीं करेंगे कंसेशनल स्कीम वाले डन है जी क्या तू मेरी गल समझ आती हैगी है क्या दिवानगी वो तो क्यू आर एम पी स्कीम को अलग लेके चलो यार क्यू आर एम पी स्कीम को मर्ज करो मत मैं तो सिर्फ डिफरेंस बता रहा हूँ वो तो आई एफ एफ तो एक अलग चीज़ होगी आई एफ एफ तो क्या है आई एफ एफ तो इनवॉइस आप अपलोड कर रहे हो ना वो तो एक अलग है ओनली अंडर क्यू आर एम पी स्कीम ठीक है इसलिए उसको यहाँ पर मैं कवर नहीं कराँ क्या तुम्हें मेरी गल समझ आती हैगी है हाँ रियल लाइफ में तो बहुत कुछ होता है नंदनी कह रही है रियल लाइफ में मैंने कभी बोर्ड पे देखा ही नहीं है नहीं लिखा होता नहीं लिखा ही नहीं होता सर बट लो तो बना हुआ है ना इट मीन्स अगर गवर्नमेंट ने किस दिन पकड़ लिया तो गवर्नमेंट उनके अगेंस्ट में एक्शन ले सकती है अब प्रैक्टिकल लाइफ में क्या काम हो रहा है क्या काम नहीं हो रहा है उसको आप यहाँ से मोनिमोन करोगे हाँ जिस दिन वो पकड़े गए तो लो में बात लिखी कि आपको करना जरूरी है तो आपको उसके पनिशमेंट होंगे जी चलो जी सबू थी गल समझ में आती हैगी है चलो जी फिर आगे बढ़ते आ गया जी अब अगला पॉइंट निकल कह रहा पॉइंट नंबर निकल कह रहा है पॉइंट नंबर पॉइंट नंबर अब नॉर्मल स्कीम वाले केस में जब भी हम जी एस टी पे करते हैं सर हम ये कह सकते हैं सेक्शन टेन वाले हमेशा एम आर पी पर सप्लाई करेंगे कह सकते हो आप सर ये कह सकते हैं कह सकते हो तो बता दिया सर सी एस कॉम्पोजिट स्कीम में हम जी एस टी चार्ज नहीं कर सकते गवर्नमेंट को पे कैसे करें इधर आ जाओ इधर इधर आओ इधर कौन है बच्चा सोफिया इधर आओ सोफिया इधर आओ एक लाख रुपए का सामान बेचा एक परसेंट कंसेशनल टैक्स है तो एक लाख रुपए का वन परसेंट जो आएगा उसको अपनी जेब से आपने पे करना है उसको अपनी जेब से आपने पे करना है ओए 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 गाबा सर नहीं मतलब अपनी जेब से हम पे करेंगे तो हार्डसिप नहीं हो जाएगी मैं क्यों पे करूं मैं तो स्कीम नहीं ले रही तो मत लो मत लो ना किसने कहा स्कीम लेने के लिए सर फिर ये का मतलब हुआ फिर फिर छोटे बिजनेसमैन गोर तो गवर्नमेंट कह रहे भाई साहब क्या हो गया तुम्हें भाई अगर तुम कॉम्पोजिट वाले हो तो अगर तुम कंसेशनल टैक्स हो तुमने हमने तुम्हें पहले ही रेट दिया हुआ है अब तुम कस्टमर से कलेक्ट करोगे तो भाई कस्टमर से कलेक्ट जीएसटी होता है या जीएसटी नहीं है ये कंसेशनल टैक्स है हाँ तुम करो ना कस्टमर से कलेक्ट तुम डालो उसकी जगह बर्डन डालो हमने कब मना किया बट वो जीएसटी में होगा चुप करके तुम नॉर्मल स्कीम में आ जाओ अगर तुम नॉर्मल स्कीम में आओगे ये हरकतें अलाउड है कॉम्पोजिट वाले केस में हरकतें अलाउड नहीं है तो जो भी तुम्हारा कंसेशनल टैक्स बनेगा उसको अपनी जेब से निकाल के ही तुम्हें एक्स्ट्रा देना पड़ेगा बस ये बात ध्यान दो जी क्या आपको मेरी बातें पल्ले पड़ती हैं जी ठीक है चलो इधर देखो ध्यान से आप आगे हो जी अब अगला पॉइंट क्या निकल के आ रहे हैं नॉर्मल स्कीम वाले जब भी गवर्नमेंट को जीएसटी पे करेंगे तो वो कैसे पे करेंगे मंथली बेस पर पे करेंगे और क्वार्टरली मतलब दोनों पे मंथली और क्वार्टरली दोनों पर वो पे कर सकते हैं और कॉम्पोजिट वाले जब भी कंसेशनल टैक्स पे करते हैं वो क्वार्टरली बेस के ऊपर पे करते हैं जीएसटी आर फोर के अंदर ठीक है जी उसके बाद एक और नॉर्मल स्कीम वाले जब भी गवर्नमेंट को जीएसटी लाइबिलिटी पे करने जाते हैं वो क्रेडिट लेजर और कैश लेजर दोनों यूज करते हैं और कॉम्पोजिट वाले हमेशा पेमेंट कैसे करेंगे कैश लेजर से पेमेंट करेंगे फिर कोई नॉन रेजिडेंट और कैजुअल टैक्सेबल पर्सन है वो नॉर्मल स्कीम तो ले सकता है बट वो कॉम्पोजिट स्कीम लेने के एलिजिबल नहीं है मतलब अगर कोई एनआर है और कैजुअल टैक्सेबल पर्सन है वो नॉर्मल स्कीम के तो एलिजिबल है बट वो कॉम्पोजिट स्कीम के एलिजिबल नहीं है बस ये पर ध्यान दो ठीक है तो ये हमारे अठारह डिफरेंस निकल के आ रहे हैं और अभी दो डिफरेंस और भी हैं प्रशांत कह रहे चैप्टर का नाम प्रशांत चैप्टर है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर आज हम चैप्टर कर रहे हैं जी ठीक है आज हमारा चैप्टर है बी का जीएसटीआर थ्री खत्म हो चुकी है जी जीएसटीआर थ्री अभी है ही नहीं जीएसटी आर की जगह ही थ्री चल रही है जो थ्री है वो जीएसटी आर की वजह से ही है ठीक है तो भी दो ही रिटर्न है जीएसटीआर वन और जीएसटीआर थ्री बी ना तो जीएसटीआर आर टू हो रही है और ना ही जीएसटीआर आर थ्री चल रही है जी अच्छा अभी ना मैं आपको दो डिफरेंस और भी लिखवा सकता हूँ पता आपको अभी मैं आपको दो डिफरेंस और भी लिखवा सकता हूँ दो डिफरेंस और कोई बच्चा मुझे याद करवाएगा दो डिफरेंस और, तो 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 और कौन से बन सकते हैं अगर किसी ने कोई कॉम्पोजिट स्कीम पहले पढ़ा हो अगर किसी ने अगर किसी ने कोई भी कोई भी कॉम्पोजिट स्कीम का पहले मतलब पहले पढ़ा हो तो क्या कोई बच्चा मुझे बताएगा दो डिफरेंस और कौन से बन सकते हैं बताना चाहता दो डिफरेंस और कौन से बन सकते हैं जल्दी बोलो अरे मेरे को बोलो ना फटाफट से यस क्या बात है यार कनी का कालरा साहब यार कमाल कर दिया आपने भाई साहब कालरा सर कमाल कालरा साहब कालरा साहब काल जो है ना कालरा सर वो कमाल कर गए भाई साहब मतलब बच्चा कह रहे सर दो डिफरेंस और बन सकते हैं मैं क्या बताओ कौन से सर सुनो 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 भी कॉम्पोजिट स्कीम वाले पति को इंटे नहीं मार सकते हैं एक बार दोबारा बोला क्या बोल दिया आपने कॉम्पोजिट स्कीम वाले कॉम्पोजिट स्कीम वाले पति को ईंटे नहीं मार सकते नॉर्मल स्कीम वाले पति को ईंटे मार सकते हैं सर पति को ईंटे मार सकते मम्मी पास ही बैठी है सर कैसी बातें कर रहे हो पति को ईंटे मार अरे आंटी पति को ईंटे मारने का मतलब है पान मसाला एरिएटेड वाटर टबैको आइसक्रीम और ब्रिक्स मतलब वाले इन गुड्स की मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर सकते अच्छा 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 मैं वही कहूँ पत्ती को ईंटे नहीं मार सकते तो मतलब कॉम्पोजिट वाले पति मतलब पान मसाला एरिएटेड वाटर टबैको आइसक्रीम और ब्रिक्स नॉर्मल स्कीम वाले जो हैं नॉर्मल स्कीम वाले जो हैं वो इनकी मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं कॉम्पोजिट वाले इनकी मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर सकते निकल के आ रहा है फिर अगला डिफरेंस ये निकल के आ रहा है अगला डिफरेंस निकल के आ रहा है कि नॉर्मल स्कीम वाले अपने सामान को ईसीओ के थ्रू सप्लाई कर सकते हैं नॉर्मल स्कीम वाले अपने सामान को ईसीओ के थ्रू सप्लाई कर सकते हैं और कॉम्पोजिट वाले अपने सामान को ईसीओ के थ्रू मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू सप्लाई नहीं कर सकते सिंपल से बात ये निकल के जो इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर होते हैं वो कॉम्पोजिट स्कीम लेने के एलिजिबल नहीं होते इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर जो है वो नॉर्मल स्कीम लेने के एलिजिबल होते हैं वो कॉम्पोजिट स्कीम नहीं ले सकते तो भाई साहब अब बताओ बीस डिफरेंस निकल के आगे जी बीस डिफरेंस हमारे निकल के आगे अब अगर मैं इसमें डिफरेंस नंबर नाइनटीन इसके नीचे अगर मैं ऐड करूं जगह ही नहीं है तो मैं ऐसा करता हूं डिफरेंस नंबर नाइनटीन यहां लिख लेता हूं तो आप फ़ोटो क्लिक करनी हो तो कर लेना ये था नॉर्मल स्कीम वाला और ये था कॉम्पोजिट ठीक है अब नॉर्मल स्कीम में जो है नॉर्मल स्कीम जो जो है लिखो जी नॉर्मल स्कीम में जो है एस किसी भी गुड्स की मैन्युफैक्चरिंग कर सकता है एग्जाम्पल पान मसाला एट्सेट्रा कॉम्पोजिट स्कीम वाले पति में फोर स्पेसिफाइड प्रिक्स की मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर सकते फ्रेंड्स नंबर ट्वेंटी ECO is eligible for composite scheme. ECO is not. Sorry, ECO is eligible for normal scheme. Not eligible for composite. Lose. ये डिफरेंस है हाँ राधिका लिख सकते हो वो एक पॉइंट बीच में कट गया ना लिख सकते हो बिल्कुल लिख सकते हो जी अरे सुनो ध्यान से जो अभी हमारी हमारी मैराथन कब थी हमारी अभी मैराथन कब थी लास्ट सैटरडे तो क्या पिक्चर खत्म हो गई है क्या पिक्चर खत्म हो गया पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त आज हमारा मंडे है ना इस सैटरडे को दोबारा तैयार रहना और इस सैटरडे को उससे भी डबल धमाल होने वाला है ठीक है ये वाली क्लास तो मैंने प्राइवेट नहीं की क्योंकि इसमें छोटे मोटे टॉपिक थे पीजीपी कैपिटल गेन अदर सोर्स जो बड़े बड़े टॉपिक है इसमें होने ये तो ये मैं प्राइवेट कर दूंगा पक्का ये आप हंसते रहो हंस लो पहले कोई बात पहले हंस लो हंस लो विवेक सर को ही नूर है विवेक सर का पत्थर का दिल नहीं है ना ये सैटरडे मैं चेंज करके दिखा दूंगा अगर आप लाइव नहीं आके बैठे मतलब उससे भी डबल धमाल होने वाला है सर इस सैटरडे शाम को सात बजे संडे सुबह सात बजे तक हमारी लाइव मैराथन होगी अगेन बारह घंटे की उसमें इनकम टैक्स के बैलेंस टॉपिक हम कंप्लीट करेंगे बहुत बढ़िया तरीके से विद एग्जाम्पल कंप्लीट करेंगे डिटेल मैराथन होगी आप एप्रिशिएट करोगे आप ये कहोगे सर लास्ट सैटरडे से भी ज्यादा मजा आ गया क्योंकि जब पीजीपी करेंगे जब कैपिटल गेन करेंगे जब क्वेश्चन भी साथ में करेंगे ना आपको फील होगा कि भाई साहब अब मजा आ रहा है इनकम टैक्स पढ़ने में इनकम टैक्स मुश्किल नहीं है बस समझने वाली बात है ठीक है हाँ तो तैयार रहें यूट्यूब लाइव और फेस टू फेस लक्ष्मी नगर में होगी बट उसके लिए ऑब्वियस ही बात है पहले आपको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा रजिस्ट्रेशन फेस टू फेस के ओपन है आपके पास कॉल नंबर सबके पास है आप कॉल करो उनको नाम जरूर लिखवा दो कि हम सैटरडे को शाम को सात आने वाले हैं वो लिमिटेड सीट्स होंगे फेस टू फेस वालों के लिए और लाइव वाले जो बच्चे हैं वो तो यूट्यूब पे लाइव आके बैठेंगे ही बैठेंगे बात वो नहीं है देखो ऐसे तो छब्बीस बच्चे पहुंच गए थे अब छब्बीस बच्चे लाइव अब एक बार तो सत्ताईस टच कर गया था सर छब्बीस बच्चे लाइव दिखा रहे हैं मतलब जो हाई और वो हजार ग्यारह सौ पे रह गए बात वो नहीं है ग्यारह सौ पे रह गए आप देखो हिम्मत देखो 1100 बच्चे सुबह सात बजे तक बैठे थे और मैं कह रहा हूं कि इस वाले आने वाले सैटरडे को ना 1100 बच्चे ना हो ये 2000 बच्चे सुबह तक बैठे हो मतलब 2000 बच्चे अगर सुबह तक बैठे होंगे ना एक अलग ही एनर्जी होगी भाई साहब पीजीपी कैपिटल गेन डिविडेंड की टैक्सेशन गिफ्ट की टैक्सेशन भाई साहब इतने जबरदस्त रिविजन हमने करनी है ना इतने बढ़िया बढ़िया टॉपिक हमें रिवाइज करने हैं कमाल हो जाएगा इस सैटरडे को ठीक है जी तो एक बात ध्यान देना जी चार स्पेसिफाइड ब्रिक्स कौन सी हैं चार स्पेसिफाइड ब्रिक्स के नाम आपको याद करने की रिक्वायरमेंट नहीं है ब्रिक्स ऑलमोस्ट इसमें सारी कवर हैं ठीक है ना ब्रिक्स ऑलमोस्ट इसमें चाहे वो रूफ टाइल हो गया चाहे वो अर्थन ब्रिक्स हो गया ठीक है मतलब जितनी भी ब्रिक्स होती है ना वो ऑलमोस्ट इसमें कवर है बस आपको ध्यान देना पति प्लस में फोर स्पेसिफाइड ब्रिक्स इनकी मैन्युफैक्चरिंग करने वाले कॉम्पोजिट स्कीम नहीं ले पाएंगे वो नॉर्मल स्कीम ले पाएंगे चलो जी इधर देखो ध्यान से इधर देखो ध्यान से अब प्लीज बातचीत नहीं अब प्लीज बातचीत नहीं अब सारे बच्चे एक बार सीधे के बैठ जाओ जीव. अब सारे बच्चे एक बार सीधे बैठ जाओ फुल फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर ईसीओ का मतलब है इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर चलो एक बार मेरे को सारे बच्चे शाबाश शाबाश मेरे बड़े शाबाश एक बार सारे बच्चे बीस के बीस डिफरेंस बता दो जी मेरे को एक बार सारे बच्चे बीस के बीस डिफरेंस मेरे को बता दो अरे पत्ती की फुल फॉर्म पति मतलब पान मसाला एरिएटेड वाटर टबैको आइसक्रीम पान मसाला एरिएटेड वाटर टबैको आइसक्रीम अगर आप इनकी मैन्युफैक्चरिंग करोगे तो नॉर्मल स्कीम ले सकते हो कॉम्पोजिट स्कीम नहीं ले सकते जल्दी बताओ मेरे को फटाफट से सारे बच्चे बार फटाफट से बोलते दस मतलब बीस के बीस डिफरेंस क्या है सर अमेंडमेंट आई है क्या जीएसटी में नीलेश सारी अमेंडमेंट क्लास में यूट्यूब पे डाल चुका हूँ और जो अमेंडमेंट होंगी इस रविजन क्लास में ऑटोमेटिकली कवर हो रही है अलग से अगर आपको देखनी है अमेंडमेंट क्लास यूट्यूब पर डल चुकी है और बहुत पहले ही मैंने डाल दी है इनकम टैक्स और जीएसटी दोनों के अमेंडमेंट क्लास यूट्यूब पर आ चुकी है चलो अब बताओ बिल्कुल जी शाम सुंदर गुप्ता तीन लोग मिलकर बताएंगे री डिफरेंस एक शाम एक सुंदर और गुप्ता तीन लोग मिलकर डिफरेंस बताने वाले हैं सारे बच्चे बताएंगे और शाम सुंदर गुप्ता जी बताएंगे बताओ डिफरेंस क्या क्या निकल के आ रहे हैं देखो सर पहला डिफरेंस तो निकल के आ रहा है कि नॉर्मल स्कीम अगर लेनी है तो नॉर्मल स्कीम जो है वो सेक्शन नंबर नॉर्मल स्कीम जो लेनी है वो सेक्शन नंबर नाइन के अंदर है कॉम्पोजिटि जो लेनी है वो सेक्शन नंबर टेन के अंदर है फिर सेकंड डिफरेंस ये निकल के आ रहा है कि नॉर्मल स्कीम वालों को आई मिल जाता है कंसेशनल स्कीम वालों को आई नहीं मिलता आई मतलब इन्वर्ट सप्लाई पर जो भी जी पे करके आएंगे वो नॉर्मल स्कीम वाले आई ले लेंगे और कंसेशनल स्कीम वाले आई नहीं ले पाएंगे सर फिर नॉर्मल स्कीम में जब भी हम पेमेंट करने जाते हैं तो आई को माइनस करने के बाद फिर हम बैलेंस पेमेंट करते हैं और कॉम्पोजिट में जब भी हम टैक्स पे करेंगे तो हम अपना पूरा कंप्लीट टैक्स पे करेंगे उसमें आईटीसी का तो मतलब ही नहीं है तो टी आईटीसी का मतलब ही नहीं है उसको यूज करने का मतलब नहीं है नॉर्मल स्कीम जो है नॉर्मल स्कीम में हम कहीं पर भी सप्लाई कर सकते हैं इंट्रा स्टेट हो इंटर हो परचेज कहीं से भी करें कंसेशनल स्कीम में परचेज कहीं से भी करो बट अगर सेल करनी है तो ओनली इंट्रा स्टेट सप्लाई कर पाओगे इंटर स्टेट सप्लाई नहीं कर पाओगे नॉर्मल स्कीम कोई भी पर्सन ऑप्ट कर सकता है कंसेशनल स्कीम जो है वो 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 जो ऑप्ट करेगा वो डेढ़ लाख वाला सेवनटी फाइव लाख वाला पचास लाख वाला ऑप्ट करेगा फिर नॉर्मल स्कीम वाले केस में क्या है नॉर्मल स्कीम वाले केस में क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स की रिक्वायरमेंट होती है कंसेशनल स्कीम में क्लासिफिकेशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती फिर नॉर्मल स्कीम में टैक्स रेट ज़्यादा होते हैं कंसेशनल स्कीम में कम होते हैं फिर नॉर्मल स्कीम में आपका जीएसटी सेस एप्लीकेबल होता है कंसेशनल स्कीम में सेस एप्लीकेबल नहीं होता नॉर्मल स्कीम स्कीम में है, में बर्डन ज्यादा है कंसेशन बर्डन कम है नॉर्मल स्कीम वाले जो हैं वो बिल ऑफ सप्लाई इशू नहीं करते टैक्स इशू करते हैं और कंसेशनल स्कीम वाले बिल ऑफ सप्लाई इशू करते हैं नॉर्मल स्कीम वाले अपनी दुकान के बाहर कोई बोर्ड नहीं लगाते वो मतलब टैक्स इनवाइस पर नहीं लिखते कंसेशन स्कीम वाले बिल ऑफ सप्लाई पर लिखते हैं नॉर्मल स्कीम वालों को दुकान के बाहर या नोटिस बोर्ड पर ऐसा लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है कि मैंने नॉर्मल स्कीम ली है

नॉर्मल स्कीम जो होती है नॉर्मल स्कीम जो होती है इसमें हम किसी भी गुड्स की मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं और कंसेशन स्कीम वाले पति को ईंटे नहीं मार सकते फिर नॉर्मल स्कीम वाले जब भी पेमेंट करते हैं वो कैश लेजर या क्रेडिट लेजर से पेमेंट करते हैं कंसेशन स्कीम वाले हमेशा पेमेंट करेंगे कैश लेजर क्योंकि वहां पे क्रेडिट लेजर का मतलब ही नहीं है क्योंकि वहां पर आई मिलता ही नहीं है फिर नॉर्मल स्कीम वाले गवर्नमेंट करे ईसीओ मतलब जो इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर होते हैं वो ईसीओ वो नॉर्मल स्कीम ले सकते हैं बट वो कंसेशनल स्कीम के एलिजिबल नहीं होते फिर एक एनआर और कैजुअल टैक्सेबल पर्सन ये नॉर्मल स्कीम के एलिजिबल होते हैं ये कंसेशनल स्कीम के एलिजिबल नहीं होते हैं अब जाके टोटल मिला के डिफरेंस हमारे खत्म हो जाते हैं देखो सर मैं अपने आपको भाई साहब अपने आपको अप्रिशिएट कर रहा हूं कि बीस के बीस मुझे याद है आप भी अपने आपको घर बैठे बैठे ऐसे अप्रिशिएट करो अगर आपने बीस के बीस सही बोले मतलब देख लो मैंने 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 कहीं नहीं देखा सर मैंने कहीं भी नहीं देखा टोटल बीस के बीस डिफरेंस मैंने आपको बता दिए एक बार आप चेक कर लेता हूँ कहीं ऐसा ना हो डिफरेंस कोई रह गया हो ये भी हो गया 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 जी ये डिफरेंस बर्डन भी हो गया क्लासिफिकेशन डिटेल बुक्स ऑफ अकाउंट हायर हो गया रिटर्न हो गया उसके बाद आपका ये भी हो गया मतलब टोटल बीस डिफरेंस मेरे कंप्लीट हो चुके हैं क्या बात है बहुत बढ़िया जी डन है जी अब बताओ पहले यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है जी अगर यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है फिर हम आगे बढ़ेंगे जी ठीक है अब जो आपने वहाँ पे वो डिफरेंस लिखे हैं बारह तक तो आप अगर और मतलब इसको देखना चाहते हो तो अपना इसको बाद में ये बात क्लास यो अगर यूट्यूब पे रहेगी अगर वो डिपेंड करता है कितने बच्चे साढ़े पाँच छः सौ बच्चा लाइव आ चुके हैं अगर सौ डेढ़ सौ बच्चा और लाइव आ जाता है तो क्लास मैं यूट्यूब पे ही रखूँगा अगर नहीं आता फिर मैं प्राइवेट कर दूंगा ठीक है तो आप इसका अभी स्क्रीनशॉट ले सकते हो अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है ठीक है ना क्योंकि बाद में अगर आपको डिफरेंस लिखने हैं तो 20 के 20 डिफरेंस लिख लेना समरी बुक के अंदर 12 हैं और टोटल मिला के डिफरेंस जी, जी। कॉम्पोजिट वाले एग्जाम सप्लाई क्यों नहीं कर सकते कर सकते हैं रिया कैसे बेकार की बातें कर रहे हो एग्री टर्नओवर में एग्जाम सप्लाई भी कवर होती है कॉम्पोजिट वाले टैक्सेबल सप्लाई करें एक्जाम सप्लाई करें नील रेटेड करें कुछ भी करें क्या फर्क पड़ता है उनके एग्रीगेट टर्नओवर का पार्ट बनेगी जी सर इसमें आउटपुट जीएसटी में इनपुट जीएसटी लेस नहीं होता बिल्कुल विशाल सही कह रहे हो बिल्कुल विशाल सही कह रहे हो जी ठीक है जी चलो इधर देखो ध्यान से इधर देखो ध्यान से जी ठीक है अब ये डिफरेंस हमारे कंप्लीट होते हैं जी अब ये डिफरेंस हमारे कंप्लीट हो गए चलो अब सुनो ध्यान से अब एक बात मेरे को सोच के बताओ मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है अब जाके ना अब जाके हमारे बीस डिफरेंस कंप्लीट हो चुके हैं ये लगा लो सेवेंटी परसेंट चैप्टर हमारा खत्म हो चुका है अब इस चैप्टर में क्या बचा है इस चैप्टर में बचा है कि डेढ़ सौ लाख रुपए की लिमिट हमें कब चेक करनी है कैसे चेक करनी है और एग्रीगेट टर्नओवर जो है हम एग्रीगेट टर्नओवर कैसे कंप्यूट करेंगे हमें वो चेक करनी है अगर पिछले साल की मुझे एग्रीगेट टर्नओवर निकालनी है तो पिछले साल की मैं एग्रीगेट टर्नओवर किस तरह से कैलकुलेट करूंगा और 150 लाख की जो लिमिट है 75 लाख की जो लिमिट है 50 दस परसेंट ऑफ टर्न ओवर और फाइव लैख तो हायर अगर साथ में सर्विस देनी है तो वो जो लिमिट है वो ये लिमिट किन केस में मेंबल है अब वो बातें हमारी स्टार्ट हो रही है अब सुनना ध्यान से मैं कहना क्या चाह रहा हूं एक बात ना मेरे को सोच के बताओ एक बार सारे बच्चे सीधे के बैठ जाओ बिल्कुल सीधे बुड्ढो की तरह नहीं बैठना बुजुर्ग नहीं बनना एक बार बिल्कुल देखो अभी हम जवान है ना अगर अभी हम जवान है तो एक बार बिल्कुल सीधे के बैठ जाओ सर एक बात मेरे को सोच के बताओ जी कानपुर से कोई है लो जी अपना स्टार, स्टार्ट हो गया काम स्टार्ट हो गया वही काम स्टार्ट हो गया लाइव वाला कानपुर से कोई है हरियाणा से कोई है अहमदाबाद से कोई है गुजरात से कोई है मेरे को समझ नहीं आ रहा है आप पूछ के क्या करते हो मतलब आप इसको कार्ड कूड भेज दोगे शादियों के मतलब कैसे मतलब आपस में मिलते हो दोस्ती गहरी होती है फिर आपस में तफरी मारते हो फिर चाय पानी इकट्ठा पीते हो क्या मतलब क्या कोई कहाँ से है कोई कहाँ से है क्या करोगे पूछ के आप उससे अभी नालायक मेरे को समझ ही नहीं आया आज तक ये पूछ के आप करते क्या हो मतलब दिलासा मिलता है दिल को कि हाँ हाँ कानपुर वाले भी हैं यहाँ पे अरे सब है यहाँ पे पूरा इंडिया बैठा है यहाँ पे सारे इंडिया बैठे यहां पे सुनो ध्यान से <laughs> चलो इधर सुनो ध्यान से इधर सुनो लाइव चैट से इंस्टा तक का सफर है ओके क्या बात है चलो वापिस आओ मैं दिल्ली से हूं ठीक है अब ये मैं स्टार्ट कर देना मैं पंजाब से मैं हरियाणा से हूँ अब एक बात मेरे को सोच के बताना यार आपने डिफरेंस मेरे को बता दिए अब क्वेश्चन के आ रहा है कि अगर मेरी टर्नओवर 150 लाख तक है ना तो गवर्नमेंट ने काफी स्कीम ले सकते हो मेरा क्वेश्चन है पहले तो समझो अब सेक्शन टेन के ना मैं दो बाइफर्केशन कर रहा हूं एक तो सेक्शन टेन वन एंड टेन, टेन टू और एक सेक्शन है टेन टू ए ठीक है अच्छा इन दोनों में डिफरेंस क्या है अगर के मुझे बताएगा इन दोनों में डिफरेंस क्या बताना इन दोनों में डिफरेंस क्या है जल्दी बताओ मेरे को ये बताओ पहले इन दोनों में डिफरेंस क्या अगर मैं कह रहा हूं टेन वन टेन टू अगर मैं कह रहा हूं टेन टू ए तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है बताओ इन दोनों में क्या डिफरेंस निकल के आ रहा है रितिका कैरियर सर मैं मोदी नगर से हूँ रितिका जैन शिकंजी वाले के शिकंजी भेज देना मेरे को ओरिजिनल जैन शिकंजी वाले की ठीक है यार मेरे को कोरियर करवा देना यहाँ से जल्दी बताओ यार मेरे को ये देखो बीच में एक स्पैम वाले आगे वो ये आपको देख के आते हैं फाइंड लव ऑन द बेस्ट डेटिंग साइट ये भाई साहब ये जो बच्चे बोलते हैं ना कहाँ से हो तुम कहाँ से हो ये उस उस चैट में घुस जाते हैं ये वो देख लेते हैं बच्चे कैसी बातें कर रहे हैं इनको फिर हाइड करना पड़ता है ये देख के घुसते हैं अगर आप अच्छी अच्छी बातें करोगे ना हां भाई कि अपना पढ़ाई पीजीपी पी की बातें करोगे कैप्लीकेंट की बातें करोगे जीएसटी की बातें करोगे इनके काम ये आएंगे ही नहीं ये देखते हैं पहले कहां बातें स्टार्ट हो गई हैं ये वहीं घुस जाते हैं पैम करने वाले चलो ये देखो ध्यान से अब सेक्शन टेन वन और टेन टू अलग है और टेन टू ए अलग है अब इन दोनों में ना डिफरेंस समझना चाहिए इन दोनों में डिफरेंस क्या निकल के आ रहा है अब टेन वन जो एप्लीकेबल है ये एप्लीकेबल है मैन्युफैक्चरर ऑफ गुड्स अगर कोई गुड्स का मैन्युफैक्चरर है तब अगर कोई का ट्रेडर है तब अगर कोई रेस्टोरेंट वाला है तब तीन केस में ये है और टेन टू ए जो है ये एप्लीकेबल कब होता है अदर सर्विस अदर देन रेस्टोरेंट सर्विस ठीक है अदर अदर सर्विस सर्विस रेस्टोरेंट मतलब ये क्चर ऑफ गुड्स है गुड्स का ट्रेडर है रेस्टोरेंट वाला और ये जो है ये अदर सर्विस अदर देन रेस्टोरेंट सर्विस ठीक है अब इन केस में ना इन केस में गवर्नमेंट कहती है अगर आप नॉर्मल स्टेट में हो दो केस है अगर आप नॉर्मल स्टेट में हो तो लिमिट आपकी है डेढ़ सौ लाख अगर आप ये काम कर रहे हो स्पेशल कैटेगरी स्टेट में तो आपकी लिमिट है लाख और अगर आप सिर्फ सर्विस देने वाले हो रेस्टोरेंट सर्विस को छोड़ के तो आपके हर केस में ओल केस में लिमिट जो है वो पचास लाख चल तो ये चेक करो मतलब यहां पे पर डेढ़ सौ लाख रुपए की है यहां पे लिमिट आपकी लाख रुपए की है और यहां पे लिमिट जो है वो आपकी पचास लाख रुपए की लिमिट है इस तरह से लिमिट निकल के आती है अब गवर्नमेंट ये बात कहती है पहले अपने दिमाग में ना ये कैटेगरी बनाओ कि मैनुफेक्चर ट्रेडर और रेस्टोरेंट सर्विस वाले टेन वन टेन टू में और अदर सर्विस वाले टेन टू ए में दोबारा कह रहा हूं सर एग्जाम में क्वेश्चन कई बार सेक्शन वाइज बनता है एग्जाम में क्वेश्चन कई बार सेक्शन वाइज बनता है मैन्युफैक्चरर ट्रेडर और रेस्टोरेंट वाले टेन वन और टेन टू में अदर सर्विस वाले रेस्टोरेंट सर्विस को छोड़ के वो टेन टू ए में टेन टू ए के अंदर बातें होंगी वो अदर सर्विस की बातें होंगी और टेन वन टेन टू के अंदर मैन्युफैक्चरर ट्रेडर और रेस्टोरेंट सर्विस की बातें होंगी अब गवर्नमेंट ये बात कहता है भाई साहब अगर इस केस में तुम्हारी टर्नओवर डेढ़ लाख तक है ना तो तुम डेढ़ लाख तक कंसेशनल स्कीम ले सकते हो अगर सेम स्पेशल कैटेगरी स्टेट होंगी पिचहत्तर लाख होगी तो पचहत्तर लाख तक स्कीम ले पाओगे अब बच्चा ये बात कह रहे हैं सर जो तो स्पेशल कैटेगरी स्टेट हैं वो टोटल मिला के कि कितनी स्टेट हैं आठ स्टेट हैं इक्कीस स्टेट यहां पे कवर होती हैं और यहां पे ट्वेंटी नाइन की ट्वेंटी नाइन स्टेट कवर होती हैं मतलब अगर मैं स्पेशल कैटेगरी स्टेट की बात करूंगा, अगर मैं स्पेशल कैटेगरी स्टेट की बात करूंगा, सॉरी अब तो हमारी कितनी स्टेट है तो हमारी अट्ठाईस स्टेट है ना तो अगर आठ स्टेट हमारी यहाँ पे आ चुकी हैं तो आठ स्टेट बीस स्टेट हमारी यहाँ पे कवर होंगी अब तो हमारी टोटल मिला के अट्ठाईस स्टेट हैं तो 20 स्टेट यहाँ पे कवर होंगी 28 के 28 स्टेट हमारे यहाँ पे कवर होंगी ठीक है मतलब वहाँ पे कोई बाइफरकेशन नहीं है यहाँ पे आठ स्टेट हम अलग कर देंगे 20 स्टेट अलग कर देंगे तो इन आठों को छोड़ के जो भी हमारी 20 स्टेट होंगी वो सारी के सारी यहाँ पे कवर होंगी डेढ़ सौ लाख किलोमीटर में ये आठ कवर होंगी सेवेंटी फाइव लाख किलोमीटर में और अगर मैं सर्विस वाला केस हूँ तो अट्ठाइस की अट्ठाईस स्टेट जो हमारी हैं वो सारी की सारी पचास लाख किलोमीटर में कवर होंगी बस ये बात ध्यान दोजे ठीक है जी अब सोचना ध्यान से अब ये आठ स्टेट हमारी कौन कौन सी है जी एक बार आप चेक करना अब ये आठ स्टेट जो हमारी हैं वो आठ स्टेट हमारी कौन कौन सी है ये आपके सामने है जी अभी आपके सामने स्टेट देखो कौन कौन सी है जी गाइस लाइक कर दो यार सब लोग को मत मत बोला करो यार लाइक का ये ना लाइक बच्चे इनको जब करना होगा इनका जो मूड होगा तो इनके इनके मूड पर डिपेंड है मूड की दुनिया चलती है इनकी चिल्ड्रन डे इसको विश कर दो बस इधर देखो ध्यान से अब यहाँ पे उत्तराखंड निकल के आ रहा है उत्तराखंड है अरुणाचल प्रदेश है मेघालय है नागालैंड है मणिपुर है मिजोरम है सिक्किम है त्रिपुरा है अगर किसी बच्चे ने यहाँ पे हिमाचल प्रदेश लिखा तो काट देना अगर किसी बच्चे ने पे हिमाचल प्रदेश लिखा है तो यहाँ पे काट तुझ अगर किसी बच्चे ने यहाँ पे हिमाचल प्रदेश लिखा तो यहाँ पे कब काट सकते हो ठीक है अब इसको आप याद कैसे करोगे इसको आप याद ऐसे कर सकते हो नष्ट कैसे नष्ट जैसे हम किसी को व्हाट्सएप पे नहीं करते यू एम 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 जैसे अगर हमें किसी से बात नहीं करनी अगर हमें किसी से बात नहीं करनी तो हम क्या करेंगे एच तीन बार एम एच एम 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 तो बस हमारी बात खत्म हो चुकी है क्योंकि अगर हम बात कर रहे होते हैं तो कई बार हम हाँ जी बोलते हैं हाँ बोलते हैं जब हम हम बोलना स्टार्ट कर दें तो भैया हमारा काम हो चुका है अब तुम्हारे पर डिपेंड करता है कि तुम्हें चैट कब बंद करनी है खुद बंद कर देना हम बार बार हूँ बोल के तुम्हें बता रहे हैं कि हमारा मूड खराब है अभी ठीक है और हम किसी अगर नाराज होते हैं हम कोई चीज सोच रहे होते हैं तो न, कर लेते हैं तो यहाँ पे वही सेम है जी यू एम 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 फिर यहाँ पे आएगा एन ए एस टी ठीक है जी तो आप ऐसे याद कर लोगे नष्ट अब ऊ नष्ट का मतलब क्या होता है यू का मतलब निकल के आ गया उत्तराखंड यू का मतलब क्या निकल के आ गया उत्तराखंड एम का मतलब मणिपुर एम का मतलब मेघालय एम का मतलब मिर्जा मिर्जापुर सॉरी मिर्जापुर नहीं मिर्जापुर मेघालय मणिपुर मिजोरम ठीक है एन का मतलब क्या आ गया नागालैंड ए का मतलब अरुणाचल प्रदेश एस का मतलब सिक्किम आ गया और त्री का मतलब त्रिपुरा आ गया इस तरह से आपको याद करना है जी। तो सिंपल सी बात आपकी ठीक है आर पता चल गया ऐसा भी होता है चैट में इसके बोलने का इंटरप्रेशन अरे इंटरप्रेशन मुझसे पूछा करो आप सारे ठीक है तो ये पॉइंट आपके निकल के आ रहे हैं इन आठ स्टेट में आप लिमिट कितनी बन जाएगी सेवेंटी फाइव इनको छोड़ के जो भी स्टेट होंगे लिमिट कितनी होगी डेढ़ लाख की लिमिट होगी पहले मैं को बताओ क्या ये आठ स्टेट आप भूलोगे तो नहीं क्या ये आठ स्टेट आप भूलोगे तो नहीं पक्का पक्का आपको याद है आप भूलने वाला काम तो नहीं करोगे ना याद रहेंगे आपको ओए 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 अंकल सीधो के बैठे बिल्कुल एक बच्चा भाई साहब अदरक कलर का बन के बैठा बिल्कुल मुड़ के बैठा सीधो के बैठ जाओ ना लगे कमर टेडी हो जाएगी आपकी बिल्कुल सीधो के बैठा करो अभी आपकी एज है सीधे बैठने की झुक के बैठते हो हमेशा मुझे फटाफट से बोल दो आठ स्टेट हमारी कौन कौन से निकल के आ रही है हिमाचल प्रदेश वो नॉर्मल स्टेट में जाएगा जी हिमाचल प्रदेश है वो नॉर्मल स्टेट में जाएगा मतलब स्पेशल कैटेगरी स्टेट में जो हमारी आठ स्टेट कवर होंगी बस वो ये वाली हैं वो कौन कौन सी खबर होगी नष्ट अब यू का मतलब क्या निकल गया उत्तराखंड एम का मतलब मणिपुर मेघालय मिजोरम नागालैंड ए का मतलब अरुणाचल प्रदेश एस का मतलब सिक्किम और त्री का मतलब त्रिपुरा मतलब नष्ट जो ये आठ स्टेट हमारी है इन केस में सेवेंटी फाइव लैख की लिमिट है बस ये बात ध्यान देना और इनको छोड़ के हर केस में लिमिट हमारी कितनी है डेढ़ लाख रुपए की लिमिट है अब एक बात मेरे को सोच के बताओ मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है अब गवर्नमेंट ने कहा भाई अगर तुम्हारी पिछले साल की टर्नओवर डेढ़ सौ लाख तक है नॉर्मल स्टेट में तो करंट ईयर में ना डेढ़ सौ लाख तक तुम्हें कोई जीएसटी पे नहीं करना तुम्हें सिर्फ कंसेशनल टैक्स पे करना है कोई आईटीसी आपको नहीं मिलेगा तुम बाइडन जो है वो शिफ्ट नहीं कर सकते और अगर वही स्पेशल कैटेगरी स्टेट है तो यहां पे अगर पिछले साल में 75 लाख तक की लिमिट है तो करंट ईयर में 75 लाख तक कोई जीएसटी पे नहीं करना कंसेशनल टैक्स लगेगा आई टीसी नहीं मिलेगा और बर्डन तुम शिफ्ट नहीं कर सकते और जहां तुम्हारी करंट ईयर में लाख की लिमिट क्रॉस हुई या जहां तुम्हारी करंट ईयर में सेवन लैख की लिमिट क्रॉस हुई उसके बाद तुम्हें जीएसटी भी पे करना है तुम्हें आईटीसी भी मिल जाएगा बर्डन तुम शिफ्ट कर सकते कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यह फर्क निकल के आ रहा है तो मतलब मेरा कॉम्पोजिट स्कीम लेना या ना लेना वो डिपेंड करता है मेरी पिछले साल की टर्न ओवर क्या थी अगर तो पिछले साल टर्न मेरी डेढ़ सौ लाख तक थी तो करंट ईयर में डेढ़ सौ लाख तक स्कीम ले पाऊंगा अगर स्पेशल कैटेगरी स्टेट है पिछले साल मेरी टर्न ओवर सेवनटी फाइव लाख तक थी तो करंट ईयर में सेवनटी फाइव लाख तक मैं स्कीम ले पाऊंगा बस ये बात ध्यान देना जी क्या आपको मेरी बातें पल्ले पड़ती हैं पक्का पक्का जी कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है आगे बढ़ जाए जी अब एक बात मेरे को सोच के बताओ मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है जी मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है मेरा क्वेश्चन ही निकल के आ रहा है कि अगर मेरी एग्रीगेट के टर्नओवर डेढ़ सौ लाख तक है तो करंट ईयर में डेढ़ सौ लाख तक मैं स्कीम ले पाऊंगा अगर सेवेंटी फाइव लाख तक है तो सेवनटी फाइव लाख तक मैं स्कीम ले पाऊंगा ये सारी बातें मेरे को निकल के आ रही है इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है बट मेरा एक क्वेश्चन है आप मुझे आंसर देना जी अब अगर सारे बच्चे सारे बच्चे अगर मुझे इसका आंसर दे देंगे दे ना अगर सारे बच्चे मैं इसका आंसर दे देंगे मान जाऊंगा आपको एक बात मेरे को सोच के बताओ जी मान लो ये ईयर आपका चल रहा है एक ईयर ये, ये है एक ईयर ये है एक ईयर ये है एक ईयर ये, ये है अब यहाँ पे यहाँ पे एक पर्सन ने अपना बिजनेस स्टार्ट किया अब यहाँ पे उसने अपना बिजनेस स्टार्ट किया तो बिजनेस स्टार्ट किया तो इसके स्टार्टिंग में इस साल में टर्नओवर जो है मान लो 160 सिक्सटी ,00 ,00 है अगले साल टर्नओवर जो है वो 120 ट्वेंटी ,00 है उसे अगले साल जो मेरी टर्न है मान लो नाइनटी लैख है फिर उसे अगले साल जो मेरी टर्न है मान लो वन एट्टी है पहले तो मेरे को बताऊं ये हमारा फर्स्ट ईयर है जहां मैंने बिजनेस स्टार्ट किया ये हमारा सेकेंड ईयर है ये हमारा थर्ड ईयर है ये हमारा फोर्थ ईयर है और ये हमारा फिफ्थ ईयर है बस सारे बच्चे मेरे को ये सोच के बता दो कि इनमें से मैं किस किस साल में कॉम्पोजिट स्कीम ले पाऊंगा और किस साल में कॉम्पोजिट स्कीम नहीं ले पाऊंगा क्वेश्चन आपके सामने है क्वेश्चन आपके सामने है, मैं कोई बता दो इनमें से मैं किस साल में कॉम्पोजिट स्कीम ले पाऊंगा और किस साल में कॉम्पोजिट स्कीम नहीं ले पाऊंगा जल्दी बताओ मुझे फटाफट से जल्दी बताओ सर अब कब कब क्लासेस है मुझे टाइम ही नहीं पता चल रहा अरे परी डेली क्लास होती है हमारी डेली सुबह साढ़े सात बजे अब तो क्लास डेली हो चुकी है बस सैटरडे संडे नहीं होती क्योंकि उस दिन मैराथन होता है संडे को टेस्ट होता है बट संडे मैं कल इसलिए ले पाया क्योंकि कल अंकु सर की क्लास चल रही थी ठीक है तो मंडे टू सैटरडे सुबह साढ़े सात बजे संडे को टेस्ट होता है आपका इसमें क्या है तो किस 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 ईयर में मैं स्कीम ले पाऊंगा जी थर्ड और फोर्थ में ले पाएंगे फर्स्ट थर्ड फोर्थ फिफ्थ में ले पाएंगे सेकंड एंड फिफ्थ में नहीं ले सकते फोर्थ एंड फिफ्थ में ले सकते हैं मतलब कमाल के बात है वैसे भाई साहब इनके दिसंबर में एग्जाम है इनके दिसंबर में एग्जाम है और तीस दिन से तीस दिन तीस दिन टाइम बचा सिर्फ तीस दिन आपके पास और आंसर देख लो इनके पहले मेरे को सारे बच्चे बताओ क्या मैं पहले साल क्या मैं इस साल में कॉम्पोजिट स्कीम ले सकता हूं बस पहले आंसर दूर पहले का अनसर, पहले आंसर दो क्या पहले साल में कॉम्पोजिट स्कीम ले पाऊंगा नहीं ले पाऊंगा पहले को इसका आंसर दो फिर हम आगे बढ़ेंगे पहले साल में क्या मैं कॉम्पोजिट स्कीम ले पाऊंगा नहीं ले पाऊंगा मैं कौन सा दो जी क्या पहले साल में मैं कॉम्पोजिट स्कीम ले पाऊंगा या नहीं ले पाऊंगा मुझे आंसर चाहिए बताओ जी यस yes या नो सोफिया नालायक सचिन नालायक शेखर नालायक उसके बाद कई बच्चे महान महानलायक है जी अंजलि तो नालायक है अंजलि नालायक है जी नवनीत नालायक है अच्छा एक बात मेरे को बताना पहले साल में कॉम्पोजिट स्कीम क्यों नहीं ले पाऊंगा ओए 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 इधर आओ इधर मेरे पास यार हद होती यार गलती करने की यार पहले साल में मजाक मत करो मेरे साथ पहले साल में मैं कॉम्पोजिट स्कीम क्यों नहीं ले पाऊंगा बताओ मुझे मैं कौन सा तो पहले पहले साल में मैं कॉम्पोजिट स्कीम क्यों नहीं ले पाऊंगा बच्चा कह रहे यार कैसी बातें कर रहे हो सर आप नहीं ले पाओगे ना क्योंकि आपके टर्नओवर जो है वो 160 लाख है साठ लाख की टर्नओवर है डेढ़ सौ लाख से ऊपर है। आप स्कीम कैसे ले भाई एक बत पिछले साल की आंसर दो तो मुझे अब आंसर चाहिए मुझे भी। को चेक करनी है किस साल की चेक करनी है करंट ईयर की पिछले साल की पिछले साल की और पिछले साल का मेरा बिजनेस था नहीं था अगर बिजनेस नहीं था तो टर्न ओवर मतलब जीरो अच्छा 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 जीरो इज मोर देन वन फिफ्टी लैक्स सॉरी सॉरी शक्तिमान मेरे को मैं, मैं 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 ना वो गलती मेरे को हो गई थी मतलब मेरे को समझ नहीं आया था कि जीरो जो होती है वो जीरो जो होती है वो डेढ़ सौ लाख से ऊपर होती है सॉरी सर सॉरी सर कि जीरो डेढ़ सौ लाख से ऊपर होती है तो वो कॉम्पोजिट स्कीम नहीं ले पाएगा आप सब बच्चों ने इतना प्यारा मुझे आंसर दिया कि जीरो जो है वो डेढ़ सौ लाख से ऊपर है जीरो बनाने वाला बेहोश होकर गिर गया आर्या भट जिन्होंने जीरो का निर्माण किया वो तो बेहोश होकर गिर चुके हैं फिर उनको उठाना पड़ेगा उनको बताना पड़ेगा भाई साहब बच्चे नालायक है आप सही हो बिल्कुल मतलब जीरो इज मोर देन वन फिफ्टी लैक तो आपने क्यों कहा फिर आपको अभी मैंने कहा कि पिछले साल की टर्नओवर चेक करनी होती है जब भी तुम्हें करंटियर में स्कीम लेनी होती है नालायक कहीं इधर देखो ध्यान से नहीं तो पिछले साल की टर्नओवर क्या है जीरो है तो ऑब्वियस बात आप स्कीम ले पाओगे तो फर्स्ट ईयर में आप कंपोजिट स्कीम ले पाओगे अब अगर फर्स्ट ईयर में कंपोजिट स्कीम ले पाओगे ना अब बताओरी फर्स्ट ईयर में अगर कंपोजिट स्कीम आपने ले ली तो अब क्या होगा 160 लाख रुपए के दो टुकड़े होंगे 160 लाख रुपए के दो टुकड़े होंगे एक तो 150 लाख तो लगूंगा और 10 लाख तो लगूंगा अब जो दस लाख रुपए आपने अलग किया डेढ़ सौ लाख से ऊपर इस पे तो क्या पे करोगे आप जीएसटी पे करोगे इस पे आप क्या पे करोगे आप जीएसटी पे करोगे इस दस लाख पे तो पे करोगे जीएसटी अब जो डेढ़ सौ लाख है जो डेढ़ सौ लाख है मैंने कहा था डेढ़ सौ लाख तक हमें क्या पे करना है कंसेशनल टैक्स बट वो तब पे करना है अगर ये मेरा पहला साल नहीं होता अगर ये मेरा पहला साल नहीं होता ना अगर ये मेरा पहला साल नहीं होता मैं 150 लाख पे कंसेशनल टैक्स पे करता दस लाख पे जीएसटी पे करता अभी मैंने बिजनेस स्टार्ट किया मेरा पहला साल है तो गवर्नमेंट ने कहा दस लाख पे तो जीएसटी है बट इस डेढ़ सौ लाख के भी अब दो टुकड़े होंगे अब दो टुकड़े क्यों होंगे उसने कहा तू है कौन मैंने कहा गुड्स का मैनुफेक्चर उसने कहा गुड्स का मैनुफेक्चर तो है तो गुड्स में काम कर रहे ना तो तेरे केस में चालीस लाख रुपए की जो एग्जाम लिमिट होती है रजिस्ट्रेशन की उस चालीस लाख ,00 पर तू कंसेशनल टैक्स पे नहीं करेगा एग्जमट है और अगर तू सर्विस देने वाला होता तो फिर बीस लाख ,00 की लिमिट होती अब तो गुड्स का मैन्युफैक्चरर है या गुड्स का ट्रेडर है तेरे केस में चालीस लाख रुपए की लिमिट है डेढ़ सौ लाख में से क्या कर तू चालीस लाख को अलग कर दे और अपना एक लाख ,00 को अलग कर अब 40 लाख पे तो कोई कंसेशनल टैक्स पे नहीं करेगा इस पे सिर्फ तू तो कंसेशनल टैक्स पे करेगा जी अब आधे बच्चों के तोते उड़ गए हैं जिन्होंने पहले पॉइंट पढ़ा ही नहीं है जो मेरे रेगुलर बैच वाले बच्चे होंगे अप्रिशिएट करेंगे अपनी क्लासेस को याद करेंगे कि ये पॉइंट हमने क्लास में डिस्कस किया था मैंने कहा भी था कि एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा और बहुत सारे बच्चे गलती करके आएंगे जी मैं एक बार इसको दोबारा रिपीट करूंगा रिपीट की कोई दिक्कत नहीं है रिपीट की कोई दिक्कत नहीं एक बार दोबारा भी रिपीट कर दूंगा एक बार समझो पहले मैंने क्या कहा पहली बात तो स्कीम लेना ना लेना पिछले साल के टर्नओवर पे डिपेंड करेगा करंट ईयर के टर्नओवर पे पर डिपेंड नहीं करेगा पिछले साल मेरी टर्नओवर जीरो है अगर पिछले साल मेरी टर्नओवर जीरो है तो जीरो ऑब्वियस बताएस फिफ्टी आप स्कीम ले लोगे अगर स्कीम ले लोगे वन सिक्सटी है तो डेढ़ सौ लाख से ऊपर पे जीएसटी डेढ़ सौ लाख बचा अब गवर्नमेंट ने कहा डेढ़ सौ लाख पे डेढ़ सौ लाख पे हम कंसेशनल टैक्स लगाते बट तेरा पहला साल है तूने नया बिजनेस स्टार्ट किया तो भाई साहब जो तेरी रजिस्ट्रेशन की लिमिट है चालीस लाख रुपए वहां तक तो जीएसटी नहीं था और वहां तक कंसेशनल टैक्स भी नहीं है तो चालीस लाख तो लिमिट तेरी एग्जम्ड है तो चालीस लाख तो बाहर निकाल के जो वन वन जीरो लैख बचे उस तो टैक्स पे कर दे बस ये बात ध्यान तो तो बोले मैं सिंपल सी बात कहना चाह रहा हूं जब भी हम पहला जब भी हम पहला ईयर हमारा होगा तो पहले ईयर में ये प्रॉब्लम आएगी आपको डेढ़ सौ लाख के दो टुकड़े करने पड़ेंगे अब दो टुकड़े क्यों करने पड़ेंगे जितनी भी आपकी एग्जाम लिमिट है अगर ये स्पेशल कैटेगरी स्टेट होती तो यहां पे दस लाख की बातें होती मतलब याद करो नागालैंड वाले केस में दस लाख की लिमिट है मतलब रजिस्ट्रेशन वाले केस में अब जो रजिस्ट्रेशन वाला केस है दस लाख बीस लाख चालीस लाख तो आपको मैंने कहा था स्पेशल कैटेगरी स्टेट में दस लाख की लिमिट है तो फिर डेढ़ सौ लाख के फिर पहली बात तो यहाँ डेढ़ सौ लाख की लिमिट ही नहीं होती नागालैंड वाले लिमिट कितनी होती है सेवन लैख सेवेंटी फाइव लाख के दो टुकड़े बनते हैं दस लाख अलग और पैंसठ लाख अलग मतलब मैं कहना क्या चाह रहा हूँ कि जो भी हमारी एग्जम्पन लिमिट होगी ना रजिस्ट्रेशन की वो पहले साल में मुझे बाइफरकेट करनी पड़ेगी अलग से वो एग्जमट है उस पर कोई भी टैक्स नहीं है जी अब अगले साल पे आ जाओ जी अब अगर मैं अगले साल में आऊंगा अगले साल में पिछले साल में टर्न ओवर लाख थी तो अगले साल सेकेंड ईयर में मैं कॉम्पोजिट स्कीम लेने के एलिजिबल नहीं हूं क्योंकि मेरे डेढ़ सौ लाख से ऊपर है तो मैं एलिजिबल नहीं हूं तो पूरे के पूरे वन ट्वेंटी लैख पे मेरे को क्या पे करना है जीएसटी पे करना है सर क्या यहां दो टुकड़े नहीं करेंगे चालीस लाख अस्सी लाख नहीं करेंगे क्योंकि ऑलरेडी चालीस लाख एग्जाम हो चुके हैं तो बस काम खत्म अगले आने वाले जितने भी साल होंगे उसमें कोई बाईफर्केशन नहीं होगी क्योंकि यहाँ कॉम्पोजिट स्कीम नहीं ले पाऊंगा यहाँ पे वन ट्वेंटी लैख पे जीएसटी पे करूंगा क्या थर्ड ईयर में कॉम्पोजिट स्कीम ले सकता हूँ बिल्कुल ले सकता हूँ क्योंकि वन ट्वेंटी है तो पूरे के पूरे 90 लाख पे मैं क्या पे करूंगा कंसेशनल टैक्स पे करूंगा यस यस बिल्कुल सोफिया यस फिर अगले साल में फोर्थ ईयर में क्या कॉम्पोजिट स्कीम ले पाऊंगा यस ले पाऊंगा मैं क्योंकि 90 लाख है अब यहां पे 180 एट्टी लैख के दो टुकड़े होंगे 150 फिफ्टी लैख अलग और 30 लैख अलग अब इस 30 लाख पे आप क्या पे करोगे जीएसटी पे करोगे अब गलती से बिना 150 के अब दो टुकड़े मत कर देना क्योंकि भाई साहब अब तो मेरे ईयर चल रहे हैं वो चालीस लाख वाला कॉन्सेप्ट तब है जब आपने बिजनेस स्टार्ट किया हो पहला साल हो अब तो भाई साहब बिजनेस स्टार्ट मेरा हो चुका है तो पूरे के पूरे डेढ़ सौ लाख पर मैं क्या पे करूंगा कंसेशनल टैक्स पे करूंगा जी अब मुझे बता दो इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है अब बताओ जल्दी बोलो यार अब कोई दिक्कत तो नहीं है पक्का पक्का आपको मेरी बात समझ में आती है ठीक है बस अब जहां, जहां डेढ़ सौ लाख की बात की है डेढ़ सौ लाख की बात की है बस वहां पे सेवेंटी फाइव लाख हो जाएगा अगर वो स्पेशल कैटेगरी स्टेट है और अगर मैं एक्सक्लूसिव सर्विस दे रहा हूं तो यहां पचास लाख हो जाएगा मैं अगर टर्न ओवर पचास लाख तक है तो करंट ईयर के अंदर पचास लाख तक आप सर्विस दे पाओगे उसके ऊपर की सर्विस आप नहीं दे पाओगे यहां तो कोई दिक्कत तो नहीं है हाँ जो भी कंसेशनल टैक्स होगा जो भी कंसेशनल टैक्स होगा अरे 90 लाख पे तो कंसेशनल टैक्स ही पे करोगे ना ना क्योंकि जब आपने कॉम्पोजिट स्कीम ले ली है तो पूरे के पूरी वैल्यू पर कंसेशनल टैक्स होगा क्योंकि वो डेढ़ सौ लाख तक है ठीक है जी अब जिनको 40 लाख की लिमिट समझ में नहीं आई एक बार वो वीडियो दोबारा पीछे करके सुन लेंगे या अपने रेगुलर बैच के नोट्स एक बार देख लेंगे आपको ये बातें मेरी समझ में आ जाएंगी मैं इस ज़्यादा टाइम नहीं लगा पाऊंगा ऑलरेडी मैंने काफी डिटेल में समझा दिया कि पहला साल है पहले साल में एग्जम्शन मिलती है तो पहले साल में चालीस लाख अलग करेंगे अगले आने वाले सालों में नहीं करेंगे आप चेक करो मैंने ईयर फोर्थ ईयर में नहीं की फोर्थ ईयर रीजन क्योंकि ऑलरेडी मुझे एग्जम्शन मिल चुकी है और अगर पांचवें साल की बात करूंगा तो पांचवें साल में मैं कॉम्पोजिट स्कीम एलिजिबल नहीं बनूंगा क्योंकि पिछले साल मेरी टर्नओवर 180 वन एट्टी लैक है तो यहां पे कॉम्पोजिट स्कीम नहीं ले पाऊंगा तो पांचवें साल की जो भी मेरी टर्नओवर होगी उस पूरी टर्नओवर पर मैं जीएसटी ही पे करूंगा वहां कंसेशनल टैक्स की बात ही नहीं होगी ठीक है जी चलो इधर देखो ध्यान जानसर इसको मैं लॉक कर रहा हूं जी इसको मैं लॉक कर रहा हूं अब एक बात मेरे को सोच के बताना जी एक बात मे को सोच के बताओ अब अब ये 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 पॉइंट 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 हमारा हमारा क्लियर 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 हो हो गया, ये हो गया जी। अब ये होने के बाद ना। प्लीज जी। प्लीज अब ये का ट्रेडर कवर होगा रेस्टोरेंट सर्विस वाले कवर होंगे और टेन टू में अदर सर्विस वाले कवर होंगे यहाँ लिमिट है पचास लाख रुपए की यहाँ पे लिमिट होगी डेढ़ लाख रुपए की और यहाँ लिमिट होगी पचहत्तर लाख रुपए की कि अगर मान लो मैं गुड्स का मैन्युफैक्चरर हूं मैं साथ में थोड़ी सी सर्विस देना चाहता हूं मैं मैन्युफैक्चरर हूं साथ में थोड़ी सी सर्विस देना चाहता मतलब मार्जिनल सर्विस मैं गुड्स का ट्रेडर हूं साथ में थोड़ी सी सर्विस देना चाहता हूं मैं रेस्टोरेंट सर्विस वाला हूं साथ में थोड़ी सी कोई दूसरी सर्विस देना चाहता हूं हां अगर मैं सिर्फ और सिर्फ सर्विस देना चाहता हूं मैं एक्सक्लूसिव सर्विस देना चाहता हूं तो गवर्नमेंट ने कहा टेन टू ए के पास जा पचास लाख रुपए की लिमिट है बट अगर तू इन तीनों में से कोई भी काम कर रहा है अगर तू इन तीनों में से कोई भी काम कर रहा है तो गुड्स का मैनुफेक्चर है तो गुड्स का ट्रेडर है तो रेस्टोरेंट सर्विस वाला है अगर तू तु इन तीनों में से कोई भी काम कर रहा है और इनके साथ में थोड़ी सी सर्विस देना चाहता है तो थोड़ी सी सर्विस हम तुझे अलाउड कर रहे हैं अब कितनी सर्विस अलाउड कर रहे हैं तो गवर्नमेंट ने कहा जितनी भी तेरी टर्नओवर थी टेन परसेंट ऑफ टर्न ओवर इन ए स्टेट इन प्रसिडिंग फाइनेंशियल ईयर टेन परसेंट ऑफ टर्न ओवर इन ए स्टेट इन प्रिसनेशियल ईयर और रुपी फाइव लैख विच एवरिज विच एवरज हायर तुम इतनी सर्विस दे सकते हो अगर पिछले साल में टर्नओवर मेरी जो भी उसका दस परसेंट और पांच लाख इनमें से हायर तुम इतनी सर्विस करंट में दे सकते हो हमें कोई दिक्कत नहीं है मतलब अगर तुम इन तीनों के साथ में सर्विस देना चाहते हो अलाउड है बट एक लिमिट तक है कि टेन परसेंट ऑफ टर्न और फाइव लैख जो भी तुम्हारा हायर बनेगा तुम वहां तक की सर्विस दे लो हमें कोई दिक्कत नहीं है अच्छा आप में से कोई बच्चा मुझे बता पाएगा आप में से कोई बच्चा मुझे बता पाएगा आपको एक चीज बताने जा रहा हूं जी आप एप्रिशिएट करोगे आप वीडियो को लाइक करके जाओगे ये बात बताने के बाद मेरी गारंटी है और किसी को भी बात पता नहीं होगी जी मैं गारंटी कह रहा हूं सर किसी को बात पता नहीं होगी कोई बच्चा मुझे बता पाएगा कि मतलब एक पर्सन कम से कम कितनी सर्विस दे सकता है बताओ मुझे मान जाऊंगा आपको ये बता दो एक पर्सन जो है एक पर्सन जो है कम से कम कितनी सर्विस दे सकता है बताना मुझे एक पर्सन जो है एक पर्सन जो है प्रशांत मेरे को बताओ एक पर्सन कम से कम कितनी सर्विस दे सकता है सर और कितनी देर क्लास चलेगी बस थोड़ी सी देर और एग्रीगेट टर्नओवर की कंप्यूटेशन आज नहीं हम करेंगे वो हम करेंगे कल सुबह क्योंकि उसके मेरे को प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी करवाने ना तो कल पहले आधे पौने घंटे में हम एग्रीगेट टर्नओवर समझ लेंगे और कल ही हम एक चैप्टर स्टार्ट कर देंगे टाइम ऑफ सप्लाई का पीओटी वाला वो भी इंपॉर्टेंट है पीओटी में से काफी क्वेश्चन बनते हैं तो कल हम ये चैप्टर पहले कंप्लीट कर लेंगे एक घंटे में उसके बाद फिर हम स्टार्ट करेंगे टाइम ऑफ सप्लाई वाला चैप्टर जल्दी बताओ अरे यार पचास लाख की बातें कैसे कर रहे हो ओए 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 शाम सुंदर गुप्ता मैं से डांट मत खा लेना आप मैं भाई साहब उस टेन टू की बात नहीं कर रहा यार मैं बात कर रहा हूं इसकी बताओ इसको देख के बताओ इसको देख के बताओ इसको देख के सर एक पर्सन कम से कम कितने की सर्विस दे सकता है मेरे नालायक बच्चे पांच लाख तक की वो सर्विस दे पाएगा पांच लाख तो कम से कम है ही है ना क्योंकि अगर मेरा टर्नओवर का दस परसेंट पांच लाख से कम आ गया तो गवर्नमेंट ने हायर बोला हायर मींस क्या पांच लाख तो है ही है मतलब पांच लाख की तो मैं सर्विस दे ही पाऊंगा अब पांच लाख की तो मैं सर्विस दे ही पाऊंगा ना मतलब पांच लाख से कम का तो मतलब ही नहीं है नालायक को थोड़ा सा दिमाग चला लिया करो ये भगवान ने सोचने के लिए दिया हुआ है

बताएगा मैक्सिमम मैं कितनी दे सकता हूँ अभी बता दो मैक्सिमम मैं कितनी दे सकता हूँ मैक्सिमम बताना मुझे जल्दी बोलो मेरे को फटाफट से मैक्सिमम मेरे को वैल्यू चाहिए मेरे को फॉर्मूला मत बताओ तरनीत फॉर्मूला बता रही है कैरी अपने आप देख लो जो निकल के आएगा मेरे को ऐसे नहीं पता वैल्यू नहीं पता मेरे को फॉर्मूला मैंने रट लिया है तो फॉर्मूला अगर रट लिया है तो जो उससे निकल के आ रहा है वो काम खत्म मेरे को फॉर्मूला बताओ फार्मूला मान जी मेरे को वैल्यू बताओ वैल्यू बहुत बढ़िया जी जितने बच्चे भी कह रहे हैं पंद्रह लाख वाले बस उन्हीं के पल्ले पड़ रहा है बाकी तो भाई साहब नालयकों का झुंड बैठा है बाकी नालयकों का झुंड बैठा है मैंने कहा है मेरे को फॉर्मूला मत बताओ मेरे को वैल्यू बताओ मैक्सिमम जो है पंद्रह लाख तक की सर्विस दे पाऊंगा कैसे अगर मेरी पिछले साल डेढ़ लाख की टर्न है क्योंकि अगर टर्न ओवर लाख से ऊपर होगी मैं कॉम्पोजिट स्कीम ले ही नहीं पाऊंगा फिर तो क्वेश्चन आएगा ही नहीं अब मेरे अगर टर्नओवर हाइएस्ट हाइएस्ट टर्न ओवर डेढ़ सौ लाख ही तो हो सकती है अब अगर लाख हो सकती है तो मान लो मेरी टर्न ओवर डेढ़ सौ लाख है उसका टेन परसेंट कितना बनेगा पंद्रह लाख तो मतलब पंद्रह लाख से मैं ऊपर की सर्विस नहीं दे पाऊंगा करंट ईयर में और पांच लाख से कम की सर्विस दे नहीं पाऊंगा मतलब कम से कम पांच लाख और ज्यादा से ज्यादा पंद्रह लाख तक की सर्विस दे पाऊंगा इसके ऊपर की मैं सर्विस नहीं दे पाऊंगा सर इंटरप्रिटेशन है ये एनालिसिस है जो काफी सारे बच्चे करके नहीं जाते एग्जाम में गलतियां करके आते हैं तो आपके दिमाग में स्टार्टिंग से अगर क्लैरिटी होगी ना कि हाँ भाई वैल्यू कितनी है आप गलती करोगे ही नहीं अब दिमाग में क्लैरिटी हो गई कि भाई कम से कम पांच लाख तक की सर्विस दे पाऊंगा और ज्यादा से ज्यादा अगर मेरे को सर्विस देनी है तो पंद्रह लाख से ऊपर की सर्विस का मतलब ही नहीं है क्योंकि अगर मेरी टर्न ओवर लाख भी है तो डेढ़ का टेन कितना बनेगा पंद्रह ना तो मतलब पंद्रह से ऊपर तो मैं जा ही नहीं सकता तो कम से कम पांच निकल के आ रहे हैं और ज्यादा से ज्यादा पंद्रह लाख रुपए निकल कर रहे हैं इससे ऊपर की सर्विस मैं नहीं दे पाऊंगा बस ये बात ध्यान दो ठीक है जी तो सिंपल सी बात ये निकल के आ रही है कि जो पॉइंट आपको मैंने ऊपर बताया तो अगर ये लोग साथ में सर्विस देना चाहते हैं अगर ये लोग साथ में सर्विस देना चाहते हैं अलाउड है पांच लाख से लेके पंद्रह लाख तक की सर्विस ये करंट के अंदर दे सकते हैं इससे ऊपर की सर्विस वो नहीं दे सकते अब बच्चा कहते सर एक बात मेरे को बताना सर तो अगर पंद्रह लाख से ज़्यादा चली गई तो फिर पंद्रह लाख से ऊपर वाली पे जीएसटी पे करना पड़ेगा जी फिर पंद्रह लाख से ऊपर वाली पे आप जीएसटी पे करोगे जी अरे यार गुप्ता जी अगर स्पेसिफाइड स्टेट में सेवनटी फाइव लैख है तो उसमें सेवनटी फाइव लैख बेस बना के कर लो ना मैं भी डेढ़ सौ लाख की बात कर रहा हूँ जहां सेवेंटी फाइव होगी ऑब्वियसली बात है वहां साढ़े सात लाख हाइएस्ट लिमिट होगी ठीक है जी अब मेरे को यहाँ तो कोई दिक्कत तो नहीं है ना अब अगर मैं एक्सक्लूसिव सर्विस देना चाहता हूँ जी अगर मैं एक्सक्लूसिव सर्विस देना चाह रहा हूँ फिर तो टेन टू ए के पास जाओ फिर पचास लाख रुपए की लिमिट है अगर आप इनके साथ में सर्विस देना चाहते हो तो पांच से पंद्रह लाख तक की दे सकते हो अगर आप अलग से सर्विस देना चाहते हो तो फिर आप टेन टू ए के पास जाओगे फिर पचास लाख तक की सर्विस दे सकते हो बस ये बात ध्यान देना ठीक है अब बस एक पॉइंट मेरा रह गया एक पॉइंट क्या रह गया जी एक पॉइंट सिर्फ मेरा ये रह गया कि भाई साहब मैंने कहा था अगर एग्रीगेट टर्नओवर अगर मेरी पिछले साल की एग्रीगेट टर्नओवर

कंसेशनल टैक्स हमारे किस रेट से लगते हैं मतलब वन परसेंट हो गया फाइव परसेंट हो गया छह परसेंट हो गया ये हमारे कंसेशनल टैक्स है तो जो भी रेट हमारे एप्लीकेबल होंगे वो किस टर्न के ऊपर एप्लीकेबल होंगे तो पहला क्वेश्चन है जब पिछले साल की मैं एग्री के टर्न निकालूंगा एलिजिबिलिटी के लिए तो वो टर्न मुझे कैसे निकालनी है और दूसरा क्वेश्चन जिस टर्न ओवर मुझे कंसेशनल टैक्स निकालना है उस टर्न का मतलब क्या निकल के आ रहा है ठीक है तो अगर ये दोनों चीजें हमने कंप्लीट कर ली तो ये चैप्टर हमारा खत्म है जी. ठीक है फिर ये चैप्टर हमारा खत्म हो जाएगा तो कल की क्लास में पहले एक घंटे में फटाफट से हम क्या करेंगे एग्रीगेट टर्न वर... अच्छा एक बात और सुनना कल से पहले एक बार एग्रीगेट टर्न ओवर पढ़ के आना जी ये बार बार ना फिर यहाँ पे रिपीट मत करना क्योंकि रिपीट वही बच्चे करेंगे जो पढ़ के नहीं आएंगे तो मैं एक होमवर्क दे रहा हूँ कल सब ने जो रेगुलर बैच वाले बच्चे हैं या जो कहीं से भी पढ़े हैं आप सबने अपने अपने नोट्स से एग्रीगेट टर्नओवर की डेफिनेशन एक बार आपने पढ़ के आनी है ताकि जब मैं कल यहाँ समझाऊँ तो बिल्कुल फ्लो में काम चले ये ना हो कि सर बार बार रिपीट 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 वो रिपीट तभी होगा मैं समझ जाऊँगा फिर आप मतलब पढ़ के नहीं आए जी ठीक तो एक बार आपने वो पढ़ के आ नहीं है पहले आधे पौने घंटे में वो हम कंप्लीट करेंगे उसके बाद फिर कल ही हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे टाइम ऑफ सप्लाई वाला जी ठीक है और कल ही हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे टाइम ऑफ सप्लाई और पॉइंट ऑफ टैक्सेशन इन दोनों को सेम ही कहते हैं तो कल हम उसका चैप्टर भी स्टार्ट करेंगे जनरी और बाकी सैटरडे को हम मिल रहे हैं जी हमारा टारगेट है फ्राइडे तक हमारा जीएसटी खत्म हो जाएगी टारगेट हमारा ये है फ्राइडे तक हमारा जीएसटी पूरा खत्म हो जाएगा क्योंकि जीएसटी ऑलमोस्ट हमारा खत्म हो चुका है छोटे छोटे चैप्टर बच्चे हैं अब आने वाले लेक्चर के अंदर वो एक क्लास में दो दो तीन तीन चैप्टर भी होंगे ठीक है जैसे लो फॉर एग्जाम्पल अब रिफंड हो गया ठीक है अब रिफंड वाला चैप्टर हो गया तो बिल्कुल छोटा सा वो जल्दी खत्म हो जाएगा तो मतलब अब जो भी चैप्टर ना वो छोटे छोटे हैं अब एक क्लास में कोशिश करेंगे हम दो दो चैप्टर कंप्लीट करें ताकि फ्राइडे तक हमारा पूरा जीएसटी खत्म हो जाए सैटरडे को हमारी इनकम टैक्स की मैराथन होगी शाम को सात बजे संडे को वो खत्म होगी और तब तक हमारा पूरा का पूरा सिलेबस रिवाइज हो जाएगा फिर हमारे टेस्ट ही टेस्ट होंगे हमें और कोई काम नहीं है आरसीएम तो कोई दिक्कत नहीं आरसीएम तो हो जाएगा

उसी क्लास में वो टॉपिक तो कितने बढ़िया समझ में आएंगे आपको ठीक है जी चलो ओके जी बाय-बाय टेक केयर गॉड ब्लेस यू जय हिंद लव यू सो मच जाते-जाते अगर अच्छी लगे तो लाइक का बटन ठोक के चले जाना और कमेंट अपना जरूर करके जाना ओके जी बाय-बाय टेक केयर गॉड ब्लेस यू लव यू ऑल बाय-बाय